लाइफ। रखो। सर आपकी आवाज आ रही है मुझे। आवाज बंद हो गई आप म्यूट में हैं। अच्छा अब आवाज आ रही है। जी आ रही है आ रही है। तो मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ मालती जोशी सॉरी सोना नरियानी जी को, एंड सोना नरियानी जी आपको सुना रही हैं मालती जोशी की कहानी। शीर्षक है प्रतिरोध। सोना नरियानी जी चली गई। सोना नरियानी जी चली गई। तो स्वाति मैं बुला रहा हूँ, स्वाति स्वाति सानी को ये आपको सुनाएंगी गुलजार की कहानी। शीर्षक है अद्धा। स्वाति सानी गुलजार की कहानी अद्धा। जी जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है रिबेलियन, और मेरा मानना यह है कि सस्टेनेबल रिवोल्यूशंस एंड सस्टेनेबल रिबेलियन आर इंसिडियस। ये आग धीरे धीरे जलती है, और इसी धारणा इसी फीलिंग्स के साथ मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ, जिसका शीर्षक जिसका उन्वान है अद्धा। ये एक उर्दू कहानी है जिसे गुलजार साहब ने लिखा है। गुलजार साहब को हम अक्सर गीतों से और उनके लिरिक्स से या फिर उनके फिल्म स्क्रिप्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, मगर वो बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, जो आपको ये कहानी सुन के पता चलेगा। तो उन्वान है अद्धा, लिखी है गुलजार साहब ने। तब उसे अद्धा कह के बुलाते थे, पूरा क्या पौना क्या बस अद्धा, कद का बौना जो था, पता नहीं किसने नाम रखा था। माँ बाप होते तो उनसे पूछता, जब से होश संभाला था यही नाम सुना था, और ये भी नहीं कि कभी कोई तकलीफ हुई हो, दिल दुखा हो, कुछ नहीं, हर वक्त अपनी मस्ती में रहता था। खरबूजे वाले ने कहा, अद्धे जरा दुकान देखियो, मैं खाना खा के आया। और अद्धा बड़े मजे से डंडी हाथ में लेके बैठ जाता और हाके लगाता, आजा मिस्री के डले हैं। वो कभी खरबूजे बेचता, कभी खजूरें, नानी को वैद्य जी से हाजमे की दवा ला के देता, तो कभी तीसरी मंजिल वाले केशवानी की बच्ची को स्कूल छोड़ के आता, और माधव मिस्त्री को कभी मजदूर न मिलता तो वो ईंटे धोने का भी काम कर लेता। मगर सबसे ज्यादा मजा आता था उसे बारात के आगे नाचने में। बारात चाहे किसी की भी हो, भूले भटके भी इधर से गुजरती तो वो अपने इस एक मेल के इलाके में आगे आगे छोटे छोटे हाथ झल्लाता, छोटी छोटी टांगों पर थिरकता नाचता चला जाता। उसे रोज वहां से उस रोज वहां से वर्क कूटने वाले इलियास की बारात निकली तो वो हसबो आदत आगे आगे नाचता हुआ चलने लगा। पंडित ने टोका भी, अबे अद्धे
मुसलमान की बारात में नाच रहा है? हवा में हाथ झल्लाते हुए अद्धा बोला, ढोल तो दोनों ही के बजता है और ऐसे ही बजता है। अद्धा 12 साल के बच्चों में खेलता तो उन्हीं के जैसे लगता। जब बच्चे स्कूल चले जाते तो वो सोसाइटी के बीच वाले बाग में बूढ़े माली के साथ मिलकर नीम की सूखी पत्तियां जमा करता और रात को प्रोफेसर साहिब की बैठक से माचिस लाकर उनमें आग लगा देता। एक बार प्रोफेसर साहिब ने उसे एक पुराना कोट दिया। अध्ये ने बाहर आकर देखा और माली चाचा के हवाले कर दिया। बोरी की बोरी दे दी पहनने को, इसमें तो मेरे जैसे 3 आ जाएं। छतरपुर सोसाइटी की 5 बिल्डिंगों में रहने वाले 80 कुनबों के लगभग 350 आदमी थे और अद्धा ज ख के नुक्ते की तरह इन सब में घूमता रहता। किसी का काम उसके बगैर रुकता नहीं था, मगर उसके बगैर चलता भी नहीं था। अद्धा नहीं था तो जैसे वो पूरे नहीं थे। जैसे भरे पूरे घर को पालतू बिल्ली कुछ और भर देती है, ऐसे ही उसने छतरपुर सोसाइटी को कुछ और भर दिया था। लेकिन कल वो इन सब को खाली कर गया, गरीब कर गया। कंपाउंड में जमा भीड़ को प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा था, तुम सब अधूरे हो, आधे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। ये बात चाहे कल की है, मगर असल बात शुरू हुई थी 2 साल पहले। असल बात से भी पहले एक बात हुई थी और वो भी कुछ कम असल नहीं थी, मगर उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। छतरपुर सोसाइटी की सबसे खूबसूरत लड़की राधा कुमलानी उस दिन हीरगंज के इलाके से आ रही थी कि 3 गुंडों ने उसे घेर लिया। एक ने आंख मारी, दूसरे ने सीटी बजाई और तीसरा कंधे का घूसा देकर आगे निकल गया। लड़की सहम गई। दूर गली के सिरे पर उसे एक साया सा नजर आया तो वो जोर से चिल्लाई, अधे। उसने आवाज सुनी तो भागा भागा आया। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया, अधे जरा मुझे घर तक पहुंचा दे। अधे को बात समझते देर न लगी, शेर हो गया। राधा की बांह पकड़कर बोला, चलिए मैं हूं ना। और फिर वो इन 3 गुंडों के बीच से राधा को यूं निकाल कर ले गया जैसे हवा का झोंका निकल जाए। मगर उस रात अधे को नींद नहीं आई। पहली बार उसे लगा कि उसकी उम्र 28 बरस है। अगले ही दिन उसने स्कूल के बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया और कपड़े इस्त्री करवाकर पहनने लगा। तब्दीली लोगों ने भी देखी और राधा ने भी। वो सिर्फ हंस दी, हाउ क्यूट। अधे को जैसे जिंदगी में नया काम मिल गया, बॉडीगार्ड का, मुहाफिज का। राधा को अच्छा लगता। वो सुबह उसे कॉलेज तक छोड़कर आता, कभी कभी कुछ किताबें भी उठा लेता, कभी शाम को पहुंच जाता, वापसी में साथ लेकर आता। लेकिन एक दिन राधा ने उसका दिल तोड़ दिया। वो जगदीश से मिलने जाया करती थी, जहां अद्धा उसे छोड़कर आता था, मगर जगदीश को यह अच्छा नहीं लगा। उसने ऐतराज किया तो राधा ने डांट दिया, छी छी, इस पर शक करते हो, इस आधे से मर्द पर। बस इससे आगे अध्ये ने नहीं सुना, उल्टे पांव लौट आया और आते ही गली में उसने लेटे हुए एक कुत्ते को पीटना शुरू किया। बहुत मारा और फिर जैसे खुद जख्मी होकर अपनी खोली में जाकर लेट गया। अगले दिन से उसका रवैया बदला हुआ था। लोगों को बहुत हैरत हुई। जिसने भी उससे कोई काम कहा, अध्ये ने पूछा, पैसे दोगे? पैसे? पैसे तुम्हें क्या करने हैं अध्ये? कुछ भी करूं। धीरे धीरे अध्ये के संदूक में कई तरह के नोट और सिक्के जमा होने लगे। ये भी असल बात से पहले की बात है। और असल बात ये है कि 6 महीने बाद राधा की शादी हो गई। जोर जोर से रिकॉर्ड बज रहे थे और मोड़ से बैंड बजने की आवाज आ रही थी। अध्ये का बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसके थिरकने वाले हाथ पांव कांपने लगे। वो तेजी से उठा, संदूक के सारे पैसे निकाले और छतरपुर सोसाइटी की सी बिल्डिंग की 13 नंबर के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। 13 नंबर में सत्या रहती थी, अकेली और बदनाम। छतरपुर सोसाइटी के बेशतर लोग चाहते थे कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि बेशतर लोग रात को वक्त बेवक्त उसके फ्लैट से निकलते हुए या अंदर आते हुए देखे गए थे। अध्ये ने वो सब देखा था
समझा भी था मगर खामोश रहा। और आज मालूम नहीं फ्लैट के अंदर क्या हुआ, मगर अद्धा पूरे 7 घंटे बाद सत्या के घर से निकला और तब तक राधा की डोली जा चुकी थी। इसके बाद अद्धा अक्सर वहां जाने लगा। लोगों को बहुत बुरा लगा कि सत्या ने अद्धे के साथ भी संबंध बनाने से गुरेज ना किया, और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस औरत के साथ उनके संबंध हो उसके साथ इस बौने के भी ताल्लुकात हों, फिर चाहे वो वैश्या ही क्यों ना हो। बस सत्या के खिलाफ पूरी सोसाइटी गर्म हो गई। एक दो नौजवानों ने अद्धे को पीट भी दिया। अद्धा तिलमिला उठा, मार खाकर वो फिर सत्या के यहां पहुंचा। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, शायद कुछ बीमार थी। अद्धे ने सीधे सपाट लफ्जों में कहा, सत्या मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। सत्या ने उसकी तरफ देखा और ऐसा बोलकर करवट बदल दी। अद्धे ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। क्यों, मुझसे शादी नहीं कर सकती? मैं आदमी नहीं हूं क्या? तू भी मुझे अद्धा समझती है? सत्या ने उसकी तरफ आंख भरकर देखा और कहा, मुझे सोने दे अद्धे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अद्धे के हाथ से सत्या की बाह छूट गई। ठीक है, मर, जहन्नुम में जा। ये कहकर वो घूमा, धड़ाक से अपने पीछे दरवाजा बंद किया और सीढ़ियां उतर गया। असल बात यह भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी साल भर तक अद्धा उसी सोसाइटी में रहा। उड़ती उड़ती खबरें उसे सत्या के बारे में मिलती रहती थी। सी बिल्डिंग से गुजरना उसने कसदन कम कर दिया था। किसी ने उसे बताया कि सत्या के बेटा हुआ है, और ये बात छतरपुर सोसाइटी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। सत्या की जान के पीछे पड़ गए, उसे निकालो, फ्लैट छोड़ो। किसी भी तरह सत्या ने 6 महीने निकाल लिए। और अब ये कल की ही बात है कि अद्धा अपना राशन का थैला पीठ पर लादे कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसने देखा सी बिल्डिंग के नीचे बहुत भीड़ जमा है। उसने पूछा भी नहीं, मगर किसी ने बताया सत्या ने जहर खा लिया है। अद्धा तेजी के साथ ऊपर भागा। वो भूल गया कि उसकी पीठ पर राशन का थैला है और वो उसे छोड़ भी सकता है। जाने क्यों लोग उसे रास्ता भी देते रहे। फिर आखिर वो 13 नंबर के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने देखा कि सत्या की लाश अभी भी पलंग ही पर पड़ी थी और 6 महीने का बच्चा लाश से खेल रहा था। सारे कंपाउंड में प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी, ये बच्चा तुम में से कौन कबूल करेगा? तुम में इतनी इंसानियत तो है कि चंदा जमा करके लाश जला दोगे, मगर इस बच्चे का, इस बच्चे का क्या? मैं पूछता हूं, कौन कबूल करेगा? सब बुद्ध के बुद्ध बने खड़े रहे। अचानक अद्धे के हाथ से राशन का थैला फिसलकर नीचे गिर गया और सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने धीरे धीरे कदमों से जाकर बच्चे को उठाया और बिना किसी की तरफ देखे उसे कंधे से लगाए भीड़ से गुजरता हुआ सोसाइटी के कंपाउंड से बाहर चला गया। प्रोफेसर की आवाज अब तक गूंज रही थी, तुम सब अधूरे हो, आधे हो, और जिसे तुम अद्धा कहते हो, देखो देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। ये थी कहानी अद्धा। बहुत अच्छे बेटा, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं आपसे। जी जी बोलिए। ये कहानी आप उर्दू लिपि में पढ़ रही थी या नागरी में? उर्दू को मैंने नागरी में किया था, और बीच बीच में जहां इस उसका जो हिसाब था वो नागरी में लिखा था मैंने। हाँ, तो क्या होता है कि उर्दू में देर जबर पेश वगैरह लगते नहीं है। हाँ, तो वो गड़बड़ थोड़ी सी होती है वो। हाँ, वो कई बार हो जाती है मुझसे। वो जैसे हाथ झल्ला नहीं रहे थे, वो हाथ झुलाना होता है। झुलाता है। हाँ, हजबो आदत नहीं होता है, हजबे आदत होता है कि हजबे मामूल मैंने फिर वही हरकत की। हाँ, वैसे हजबे आदत। एक कहानी अच्छी है जी। वो उर्दू की कान में आदत है मेरे बहुत, इसलिए माफ करना बेटा। जी जी, मैंने आपको टोक दिया। नहीं, आपसे तो सीख मिलती है सर। नहीं, इतना मत मानिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपसे बहुत सीख मिलती है। आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं बुला रहा हूँ रजिया रागिनी जी को, ये आपको सुना रही है उनकी अपनी कहानी बागी तेवर। रजिया रागिनी जी, जी शुक्रिया सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। कहानी का शीर्षक मैंने रखा है बागी तेवर।
अक्सर हमारी फैमिलीज में जो बच्चे माँ बाप के कहने से चलते हैं वो बच्चे माँ बाप को बहुत पसंद आते हैं, और जो बच्चे अपने तरीके से जिंदगी का नजरिया रखते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो माँ बाप को वो पसंद तो होते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो मेरी कहानी का शीर्षक है बागी तेवर। रचना, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अर्चना ने रचना को डांटते हुए कहा। दी, मैं ऐसे ही बात करूंगी और यही मेरा तरीका है, रचना ने भी गुस्से से जवाब दिया। अर्चना, क्या हो गया है, इतना बवाल किस बात पर कर रही हो? अरे माँ हमारे भले की बात कर रही है, वो जानती है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। रहने दो दीदी, मैं आपकी तरह नहीं हूं और मुझे पता है कि माँ हमारे भले की बात करती है, लेकिन मैं अपना एक नजरिया रखती हूँ। माँ, रहने दो अर्चना, आजकल देख रही हैं उसके तौर तरीके बड़े बदल रहे हैं। जिस बात को मना करो ये वही बात करती है, ना जाने कहां से इसके इतने बागी तेवर होते जा रहे हैं। आने दो, आज तुम्हारे पापा को आज ही फैसला हो ही जाए। रचना, हाँ हाँ आने दो पापा को, वो मेरी बात को समझते हैं, आपने तो मुझे बागी कह दिया ना। दोनों गुस्से से अपने अपने रूम में जाती हैं। अर्चना बहुत बेचैन हो जाती है, वो नहीं चाहती कि घर का माहौल तनाव पूर्ण हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता को बिला वजह किसी चीज से परेशानी हो। अभी पिछले ही दिनों पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था। वो बहुत परेशान सी सिटिंग रूम में बैठ रही थी और सोच रही थी कि पिता से कैसे बात की जाए। थोड़ी देर में डोर बेल बजती है और रचना खड़ी होके दरवाजा खोलती है। सोमनाथ शर्मा एक फर्म में मैनेजर हैं। रचना और अर्चना उनकी दो प्यारी सी बेटियां हैं। अर्चना बड़ी बेटी है जो होम साइंस में डिप्लोमा कर रही है, और रचना छोटी बेटी है जो अब कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है और मास मीडिया में जाना चाहती है। सुमन उनकी पत्नी, जिसको ये बात कतई नहीं पसंद कि रचना मास मीडिया में जाए, क्योंकि वो चाहती है कि लड़कियां अगर होम साइंस से डिप्लोमा ले लेंगी तो आगे जब वो अपनी शादी करेंगी तो अच्छे से घर संभाल सकती हैं। और इसी बात पर दोनों माँ बेटियों में अक्सर झड़प हो जाती थी। जैसे ही अर्चना ने दरवाजा खोला, पापा ने देखा कि रूम में एकदम से सन्नाटा है। क्या बात है भाई, आज बड़ी खामोशी है, क्या दोनों माँ बेटी बाहर गई हुई हैं? अर्चना, नहीं पापा, दोनों अपने अपने रूम में हैं। खैरियत तो है? हाँ पापा, सब ठीक है, आप फिक्र ना करें, बस जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती हूँ। पर सोमनाथ जी को कुछ ना कुछ खटक रहा था, क्योंकि वो जब शाम को ऑफिस से आते हैं तो घर में रचना की धमा चौकड़ी होती है और सुमन को टीवी लाउड देखने की आदत है, लेकिन आज बिल्कुल घोर सन्नाटा था। अब बताओ अर्चना, क्या बात है? चाय वाय पीने के बाद सोमनाथ जी ने अर्चना से पूछा। अर्चना ने सारा किस्सा पापा को सुना दिया और ये भी कहा, पता नहीं पापा, रचना आजकल बड़ी बगावत पर उतर आती है, मम्मी जिस काम को मना करती है वो काम तो वो चल कर करती है, सिर्फ आप ही की सुनती है पापा, अब आप ही उसे समझाओ। सोमनाथ जी ने खामोशी से सब बात सुनी थी और सोच में पड़ गए। बोले, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूं। रचना अपनी बात मनवाने में बहुत आगे थी और सोमनाथ जी इस बात को जानते थे। वो रचना अर्चना की तरह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि रचना बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी थी और अर्चना हर वो बात सर झुका के मान लेती थी जो माँ कहती थी। वैसे भी माँ बाप को वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं।
सोमनाथ जैसे ही रचना के रूम में गए। क्या बात है बिटिया, आज पापा से मिलने भी नहीं आई, नाराज हो मुझसे? नहीं पापा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब है। ये मम्मी है ना, आपको तो पता है, हर वक्त मुझसे बहस करती हैं। पापा, बेटा, मम्मी तुम्हारे भले के लिए कहती है। पापा बिना वजह की बहस करती हैं, और आपको पता है शुरू से ही मैं तो जर्नलिज्म और टीवी की दुनिया में जानना चाहती हूँ। न्यूज चैनल्स आपको पता है मैं कितने शौक से देखती हूँ। मुझे लोगों से मिलना, बात करना, उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ये दुनिया मुझे फैसिनेट करती है पापा, और फिर लाइफ में आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। लेकिन माँ दीदी की तरह मुझे जबरदस्ती होम साइंस डिप्लोमा के लिए धकेल रही हैं, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। पता है पापा, दीदी भी खुश नहीं है। आपको तो पता है ना, दीदी कितना सुरीला गाती हैं, और उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज भी थी। वो एक अच्छे सिंगर बन सकती हैं पापा, लेकिन माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती। और मैं दीदी की तरह नहीं हूं कि हर बात को सर झुकाकर मान लूं। सोमनाथ जी चुप हो गए, लेकिन वो जानते थे कि रचना को मनाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन माँ से इस तरह से झगड़ा नहीं करते बेटा। मैं जाता हूँ और माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा, लेकिन तब तक तुम बिल्कुल खामोशी इख्तियार करो और अपने कमरे में बैठो। सोमनाथ जी सुमन के रूम में आए और सुमन से बातचीत का सिलसिला शुरू किया, लेकिन सुमन भी रचना की माँ थी, मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुई। बोले, आप नहीं समझते हैं, मैं माँ हूं, मुझे मालूम है कि लड़कियों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों के अगले घर में जाकर किसी बात के उल्हाने नहीं सहने पड़े। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो होम साइंस से डिप्लोमा ले ले। अर्चना भी तो है ना, देखो चुपचाप कितने अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाती है, और हर वो काम करती है जो हम चाहते हैं। वो भी तो रचना की ही बहन है, और दोनों हमारी बेटियां हैं। आप क्यों नहीं समझते हैं कि ही लाड प्यार ने रचना को इस तरह से बागी बना दिया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब अगले घर जाएगी तो हमें ही तकलीफ हो जाएगी। बहुत देर तक बीवी में बहस होती रही, लेकिन बाद में कहते हैं ना कि माँ बच्चों के आगे मजबूर हो जाती है, और वो ही हुआ। सुमन ने रचना को मास मीडिया करने की इजाजत दे दी और कॉलेज में एडमिशन भी दिला दिया। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीषा उपाध्याय जी आ गई हैं, तो मनीषा जी अभी सुना रही हैं उनकी अपनी ही कहानी का शीर्षक है बगावत। मनीषा उपाध्याय, आपका माइक म्यूट है। सॉरी सॉरी, माफी। आप सभी को देख के बहुत अच्छा लगा। परिवार में पिछली बार मैं आ नहीं पाई थी, बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। अभी लेक्चर है 5:45 का, मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगी, इसलिए जल्दी बुलाया आपको। धन्यवाद सर। आज बहुत दिनों बाद मुझे रंजना की याद आ गई, पता नहीं वो कैसी होगी। हमारी मुलाकात बाजार में दिवाली की खरीदारी के दौरान हुई थी। सागर से शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी को भी आकर्षित कर सकता था। अक्सर बाजार में ही मुलाकात होने लगी। शिक्षिका हूँ, बोलना पेशा है। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसकी लव मैरिज हुई थी, वह अनाथालय में पली बढ़ी है, और उस पढ़ाई के बाद वहां उससे ट्रेनिंग के दौरान नौकरी भी मिल गई। जिस दफ्तर में वह क्लर्क थी, वहीं उसके पति रंजेश अफसर थे। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। दोनों ने शादी की और इसमें वो प्रेग्नेंट थी। बहुत अच्छा लगा उसको खुश देखकर। मेरा ट्रांसफर हो गया, कई साल बीत गए। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने पुराने शहर में तबादला हुआ है। सुबह का अखबार उठाया तो आजकल रंजना की अखबार में तस्वीरें देखने मिलती थी। बहुत अचंभित हो गई मैं, और उसमें की खबर पढ़कर तो बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उससे मिलने का मन बनाया। समाचार की सुर्खियां पढ़कर कलेजा मुंह को आ गया। उससे अपॉइंटमेंट ली और पहुंच गई। मुझे देखकर मुस्कुराई, उसकी शांत तो देखने लायक थी। बोली, आइए टीचर जी, आपको वापस आई। वह मेरे मुख के भाव देखकर
भाप गई थी कि मैं अवश्य कुछ जानना चाहती हूँ। उसने नौकर को चाय के लिए आवाज दी और कहा, बहुत अच्छी चाय बनाना, गुरु हैं हमारी। फिर मुझे जैसे ही नौकर अंदर गया, मुझे पकड़कर बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। मैंने समझाया, मौके की नजाकत को देखा, फिर उससे पूछा, क्या वैसी बात हो गई कि तुम समाचार पत्रों में इतने खुलेआम ऐसे अभद्र शब्दों के इस्तेमाल के साथ स्टेटमेंट दिए जा रही हो? तब उसने बताया कि रंजेश के माता पिता तो पहले से ही शादी के खिलाफ थे। रंजेश की माँ ने तो कह दिया था, माता पिता को तकलीफ देकर शादी कर रहा है ना, कभी सुखी ना रह पाएगा। पर विवाह चाहकर भी वो रोक ना पाए। वह कहने लगी, टीचर जी, उनकी बद्दुआ लग गई। रंजेश के ऑफिस के को ऑफिस के काम से पुणे जाना था और आप तो जानती हैं मैं प्रेग्नेंट थी, आगे पीछे कोई था नहीं। इन्होंने अपनी माँ को खबर दी, माँ तेरे नवारसा आने वाला है। मेरी सास बहुत खुश हो गई, मैं दादी बनूंगी, मैं दादी बनूंगी। और डॉक्टर ने बताया था कि जुड़वा बच्चे हैं, और मेरी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर मेरी ननद को ये ना सुहाया, उसने पता नहीं ऐसी तिकड़ी लगाई कि मेरी सास ने कह दिया मैं नहीं आऊंगी। जब ये सब किया था तब तो मेरी बात मानी नहीं थी, अब क्यों आ रहे हो? उसने ऐसी आग लगाई कि मेरी सास इतनी नाराज हो गई कि मेरा मुंह तक देखने को तैयार नहीं थी। मेरा 9वां महीना लग गया था और रंजीश का दफ्तर के काम से जाना बहुत आवश्यक था क्योंकि उसके बॉस यहाँ नहीं थे। वो बोले, ऐसा करो तुम भी चलो, स्लो ड्राइविंग करूंगा। पर टीचर जी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम लोनावला के यहाँ पहुंच ही रहे थे कि सामने से आते हुए ट्रक ने हमारी गाड़ी को धक्का मार दिया। रंजीश ऑन द स्पॉट गुजर गए, मुझ बदकिस्मत को छोड़ गए। स्थानीय लोगों ने सहायता की और नजदीक के अस्पताल ले गए। मैं 2 बेटों की माँ बन गई। बहुत दिनों का सपना था रंजीश का कि जैसे ही बच्चे होंगे सबसे पहले वही चूमेंगे। आखिर उस अस्पताल के नर्स कई बार घर पर फोन किया मेरी सास को, पर वहां से कोई जवाब ना आया। उस वहां की जो सबसे बड़ी नर्स थी वो रिटायर होने वाली थी, उसका भी होम टाउन मुंबई ही था। उसने कहा, बेटा मेरा कोई नहीं है, चलो तुम मेरे घर पर रहना, तिनके को क्या चाहिए, सिर्फ सहारा। मैंने नर्स आंटी से कहा, आंटी मेरा अपना घर है, आप मेरे साथ रह सकती हैं, आप मेरे बच्चों को देख लीजिएगा, अंधा क्या मांगे 2 आंखें। पति के पीएफ के पैसे से बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, अच्छी तरह से बच्चे पढ़ने लगे। नर्स आंटी बच्चों की देखभाल कर रही थी और दिन ब दिन उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती से कम न था। मैंने मेरे बॉस से आग्रह किया, मेरे बॉस मेरे पति के मित्र भी थे, कि वो मुझे ओवरटाइम करने दे, पैसे की बहुत जरूरत है। वे मान गए। इस बड़े से शहर में एक जवान विधवा की जिंदगी कटी पतंग सी हो जाती है। एक शाम एक शनिचर मेरे बॉस ने ओवर टाइम के नाम पर मुझे बहुत काम दिया। सभी लोग चले गए, रात के 9 बजे मैं काम करती रही, पर मैं उसकी गंदी नीयत को ना जानती थी। उस दिन उसने मुझे कहीं का ना छोड़ा, जो मेरी इज्जत थी उसको परखच्चों की तरह उड़ा दिया। मैं लाचार थी, क्या करती, अब वो जब चाहे तब मुझे सताने लगा। मैं अपने बच्चों की खातिर चुप थी। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, आंटी बूढ़ी हो गई, बच्चों को हॉस्टल भेज दिया। नर्स आंटी बहुत थक जाती थी। मैंने सोच लिया, ऐसे नीच लोगों के मुंह से मैं नकाब हटाऊंगी। मैंने बगावत की ठान ली। तब मुझे पता चला कि मैं पहली नहीं थी, इस ऑफिस में कई लड़कियों के साथ वो ऐसा कर चुका है। मैंने उन सबसे उनके नंबर, मैंने ऑफिस के रिकॉर्ड से उनके नंबर निकाले, सबकी बातें सुनी और सोच लिया कि यही नहीं, एक बार जो हो गया है तो हो गया है, पर ऐसे सभी लोगों के नकाबों को मैं खोलूंगी। उसके बाद मेरे बॉस ने भी अपने मित्रों के साथ कई बार मुझे हम बिस्तर बनाया। मेरे बच्चे 12 पास कर चुके थे, मैंने उन्हें विदेश भेज दिया क्योंकि अब तो पैसे मिलने ही लगे थे। पर जो प्रतिशोध की चिंगारी थी उसको मैंने पाले रखा, उसको बाहर निकाला नहीं, मैं समय का इंतजार कर रही थी। और उसके बाद जब बच्चे विदेश में अपने पैरों पर खड़े हो गए, एक दिन मीडिया को बुलाकर
मैंने जितने भी लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की थी उन सबका नाम गिनवाया और यहाँ तक कि उनके साथ के आपत्तिजनक फोटो को भी पब्लिश कराया। इज्जत तो मेरी बची ही नहीं थी। आज भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को गलत माना जाता है, पर विदेशों का तो ये ट्रेंड बन गया है। मेरे दोनों बच्चे अच्छी जगह लग गए थे। मैं कई लड़कियों को इस बात की सीख देना चाहती थी कि अपने को अबला नहीं सबला समझो। आज मीडिया इतनी सारी चीजों को सामने लेके आता है, लेकिन एक सच्चाई के लिए आप आ गया, बलात्कार या इज्जत जाना शरीर पे लगा हुआ दाग नहीं है, किसी पुरुष की कमजोरी है। ये देखकर बहुत सारी लड़कियों ने हिम्मत की। मुझे तो कई लोगों से धमकियां भी मिली। मैंने सोचा ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, मैं डरी नहीं। और आपको बताऊं टीचर जी, आजकल तो मुझे कई राजनीतिक पार्टियों से ऑफर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि चुनावी जंग जीतने का आपसे बड़ा कोई जुगाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। असल में वो मेरे नाम को भुनाना चाहते हैं। मैं ये सोच रही थी कि आज शाम को मैं दूसरे चैनल वालों को बुलाऊंगी, पर शायद मेरी किस्मत ही खराब है। बगावत तो मैंने दूसरों के लिए की, लेकिन आपको बताऊं, कल रात ही ऑस्ट्रेलिया से एक लड़की आई है जो मेरे बेटे के ऑफिस में काम कर रही थी। वो बोली, आंटी मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, वहाँ काम की तलाश में गई थी, आपके बेटे के ऑफिस में थी। आप जिस बात के लिए बगावत कर रही हैं ना, आपका बेटा भी उतना ही दोषी है। उस जो चीज़ आपके बॉस ने आपके साथ की, वही उसने मेरे साथ किया है और अन्य लाचार लड़कियों के साथ भी कर रहा है। टीचर जी, मैं तो गिर गई, घर को जला दिया घर के चिराग ने। मैंने सोचा था इन लड़कियों की मैं जिंदगियां बचाऊंगी, और मेरा बेटा खुद ही दूसरों की असमत को लूट रहा था। यह सुनकर मैं काष्ठवत हो गई और उसके दुख का अंदाजा न लगा सकी, और सोचने लगी कि कहां वो एक मशाल लेके चल रही थी और उसके बेटे ने उस पर झट से पानी डाल के उस मशाल को ही बुझा दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मनीषा जी। सर आज्ञा लेना चाहूंगी, मेरी क्लास शुरू हो जाएगी अभी। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, सभी को बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद। बहुत अच्छे मनीषा जी, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, नमस्ते। अब मैं बुला रहा हूँ सोना नरियानी जी को। है सोना नरियानी जी? सर मुझे पता नहीं कि मेरी आवाज आज तक आ रही, क्योंकि मैं बहुत देर तक किसी को सुन नहीं पा रही थी। अब आ रही है आवाज आपकी? मुझे तो आ रही है आवाज, अभी आ रही है। ठीक है, बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से हुआ है। ठीक है जी, सोना नारियानी जी आपको सुना रही है मालती जोशी की कहानी, शीर्षक है प्रतिरोध। सभी को जय हिंद। जय हिंद। प्रतिरोध। सर मुझे 5 मिनट दीजिएगा प्लीज। सर नेक्स्ट ले लीजिए, नहीं हो रहा है यहाँ पे। मेबी नेक्स्ट। तो गीता जी? नहीं, गीता सोनी जी। गीता जी? यस यस। तो मैं गीता जी को बुला रहा हूँ, ये आपको सुना रही है। हाँ सर। पांच अड़ी तीन ना कहानी का नाम है? हाँ, पांच अड़ी तीन। एंड द राइटर इज विवा शिरवाड़कर। सुनाइए आप पांच अड़ी तीन, गीता सोनी, विवा शिरवाड़कर। नमस्कार। आज बऱ्याच दिवसांनी मी या कथाकथनच्या बैठकीत परत आली आहे। आज मी विवा शिरवाड़कर यांची पांच आणि तीन ही कथा वाचते। ही कथा खरं तर 50-60 वर्षापूर्वी लिहिलेली असणार आहे, आणि त्यामुळे त्यातली वाक्यरचना किंवा शब्द हे जरा आजच्या काळात ऐकताना आपल्याला कानाला विचित्र वाटतात, पण त्या काळातल्या मध्यमवर्गीय स्त्रीच्या समस्या आणि तिच्याकडे पाहण्याची समाजाची मानसिकता ही आजही पाहिलं तर तशीच आहे हे आपल्याला लक्षात येईल कथा ऐकल्यानंतर। मी सुरू करते पाच आणि तीन। कुठलं तिकीट हवंय आपल्याला? त्या छोट्या खिडकी पलीकडल्या गृहस्थानं सौजन्यपूर्ण शब्दात विचारणा केली। कुठलं तिकीट? पुढं केलेल्या नोटेशी बोटांनी चाळा करत अनुराधा विचार करायला लागली। कुठं जाणार होत आपण? घरातल्या भिंतीवर कपाळ आदळून ती वादळाच्या वेगानं घराबाहेर पडली होती। बाहेर पडताना आपण कुठे जाणार
याचा तिनं अजिबात विचार केला नव्हता. तिला फक्त बाहेर पडायचं होतं. कुठल्या तरी भयानक विषाच्या लाटा त्या घरातून उसळत होत्या. त्या सर्वांच्या बाहेर तिला पडायचं होतं. मोकळेपणानं श्वास घ्यायचा होता, मुक्ततेचा, स्वातंत्र्याचा श्वास. रस्त्याच्या कोपऱ्यावर तिला एक रिक्षा दिसली. ती त्यात बसली आणि म्हणाली, जाऊ दे लवकर स्टेशन. रिक्षावाल्यानं रिक्षा स्टेशन समोर उभी केली. इतर लोकांसारखी अनुराधाही तिकिटाच्या रांगेत उभी राहिली. कुठं जायचंय, कुठलं तिकीट हवंय आपल्याला? खिडकीच्या अंतरंगातून प्रश्न आला. उत्तर देणं भाग होत. कुठं जावं, कर्जतला, मुंबईला की दादरला? तिची एक जीवाभावाची मैत्रीण राहत होती, शारदा कर्वे. स्वतंत्र, एकटी, अविवाहित होती ती. 1.5 वर्षापूर्वी झालेल्या अनुराधेच्या लग्नात ती मुद्दामहून आली होती आणि धबधब्यासारखं हसत अनुला म्हणाली होती, अनु अजून विचार कर. ह शारदेचं ते हास्य आत्ता तिच्या कानांवर आदळायला लागलं. न लिहिता न कळवता तिच्या दाराची कडी वाजवायला काहीच हरकत नव्हती. तिला समजेल, फक्त तिला समजेल. दादर असं म्हणून नोट सरकवून तिनं सांगितलं आणि घाई घाईनं तिकीट घेऊन ती फलाटावर गेली आणि स्त्रियांच्या राखीव डब्यात जाऊन बसली. आता कुठे अनुराधेला मोकळेपणानं श्वास घेता येत होता. बाकाच्या पाठीवर तिनं मान टाकली. 1.5 वर्षापूर्वी, अवघ्या 1.5 वर्षापूर्वीच तिनं ज्या जीवनात वाजत गाजत मोठ्या दिमाखानं प्रवेश केला होता, त्यातून ती आता खाली मान घालून पराभूत होऊन बाहेर पडत होती. शारदेचं ते हास्य. खरंच आपण त्यावेळेस माघार घेतली असती तर? विवाह या विषयाचं आकर्षण अनुराधेला जाणत्या वयात कधीच वाटलं नव्हतं. तिचं सारं लक्ष अभ्यासावर केंद्रित झालं होतं. इतकं की पुस्तकांच्या पानांबाहेर काही जग शिल्लक असतं याचीही जाणीव तिला नसायची. तिच्या समवयस्क अनेक मैत्रिणी मात्र पुरुषांच्या सहवासासाठी आसुसलेल्या दिसत. कित्येकींच्या आयुष्यात हाच एक विषय प्रमुख होऊन बसलेला होता. अनुराधा या बाबतीत अगदीच कोरी करकरीत राहिली होती असं नाही, पण जे अनुभव आले होते ते केवळ अनिच्छेनं आले होते. त्या अनुभवानी क्वचित वेदना आणि क्वचित हास्यास्पदता याशिवाय दुसरं काहीच मागे ठेवलं नव्हतं. असं असूनही आपण दिवाकरशी लग्न का केलं? अनुराधेच्या मनात विचार आला. लग्न दिवाकराशी झालं हा मुद्दा महत्वाचा नव्हता. तिनं लग्नाला तयार व्हावं आणि त्याच्या आयुष्यात दुय्यम स्थान पत्करावं हेच विशेष होत. बीए होईपर्यंत तिचा मोठा भाऊ तिला लग्नाबद्दल विचारी, लहान भाऊ तिची चेष्टा करी, पण बीए झाल्यानंतर ती आईला घेऊन बाहेर गावी राहायला लागली, नोकरी करायला लागली. तिची घराला आर्थिक मदत होत होती केवळ या कारणाने नाही, पण तिच्या मानवी आणि आग्रही स्वभावाचा सर्वांना वचक वाटत होता. त्यामुळे या बाबतीत तिच्याशी घरातलं कुणीही बोलत नव्हतं. स्वतः अनुराधाही अध्यापिकेच्या कामात पूर्णतः रमून गेली होती. संसार साजरा करण्याची स्वप्न तिच्या कल्पनाशक्तीनं कधी चितारलीच नव्हती आणि आता तर तिच्याकडे त्यासाठी अवसरही नव्हता. पण असं असूनही वय वाढतंय आणि वाढलेल्या वयात लौकिक दृष्टीनं जे करायला हवं ते आपण करत नाही याची जाणीव तिला पदोपदी होऊ लागली. कोणत्याही माणसाचा नव्यानं परिचय झाला की तो तिला पती काय करतात, कोठे असतात याची चौकशी करत. अनुराधा अविवाहित आहे हे ऐकल्यावर काहीतरी अनैतिक कानावर पडल्यासारखे आविर्भाव करत. स्त्रियांना सुद्धा तिच्या संबंधात लग्न हा चर्चेचा योग्य विषय असं वाटायचं. सभोवारच्या या कोलाहलामुळे अखेरीला अनुराधा लग्नाचा विचार करायला लागली आणि दिवाकराशी लग्न करून त्याचा संसार साजरा करण्यासाठी ती नोकरीचा आणि पूर्वजीवनाचा त्याग करून पुण्याला आली. दिवाकराची ती दुसरी पत्नी होती, पण या गोष्टीची खंत अनुराधाला कधीच वाटत नसे. दिवाकरच्या घरात तिनं पाऊल टाकलं तेव्हा तिचं अंतःकरण उत्साहानं भरलेलं होतं. अज्ञाताच्या मुलखात प्रवेश करण्याचा जो आनंद असतो त्याचा प्रत्यय तर तिला येत होताच, पण वय वाढलं आणि लग्न केलं नाही अशा हेटाळणीतूनही ती मुक्त झाली होती. दिवाकर डॉक्टर होता आणि त्याचा व्यवसाय सुद्धा पैसा आणि प्रतिष्ठेच्या दृष्टीनं चांगला चालला होता. आपलं काम तो केवळ पैशावर नजर ठेवून करत नसे.
गोरगरिबांना आपत्तीत सापडलेल्यांना तो मुक्त हस्ताने निस्वार्थ बुद्धीने सहाय्य करी. तासन तास श्रम करूनही तो वैतागत नसे, कुणाला अपशब्द बोलून दुखवत नसे. खरोखर वस्तीत देवमाणूस म्हणून त्यानं कीर्ती संपादन केली होती. परंतु असं असूनही त्याचा सहवास अनुराधेला दिवसेंदिवस असह्य वाटू लागला. स्वतःच्या स्त्रीपणाची तिला फारशी जाणीव नव्हती, आसक्ती तर फारच कमी होती. दिवाकराशी बोलावं, वेगवेगळ्या विषयांवर त्यानं आपल्याशी चर्चा करावी, संसारातल्या बारीक सारीक गोष्टींकडे त्यानं लक्ष द्यावं असं अनुराधेला वाटायचं. आणि दिवाकर याबाबतीत अगदीच निस्संग होता. अनुराधेच्या स्त्रीत्वाशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टींची त्याला विशेष जाणीव नव्हती आणि आवश्यकता तर अजिबात नव्हती. पहिल्या पत्नीची जागा घेणारी कोणीतरी स्त्री त्याला घरात हवी होती आणि ती स्त्री अनुराधा होती एवढंच. त्याचं वैयक्तिक जीवन इतकं चिरेबंद आणि आत्मकेंद्रित होतं की अनुराधेला त्याचं पूर्ण दर्शनही कधी होत नसे. अनुराधेकडे तो येई तो केवळ एकाच गोष्टीसाठी. त्याच्यासाठी अनुराधा केवळ एक स्त्री आणि स्त्रीच होती. जे तिला अप्रिय होतं तेच त्याला नेमकं हवं होतं आणि त्या बाबतीत त्यानं आपला अधिकारही गृहित धरला होता. अनुराधेला हे आयुष्य ओंगळपण वाटायला लागलं. त्या दोघांमध्ये वारंवार खटके उडायला लागले. एकदा तिनं 8-15 दिवस कर्जतला जावं असा विचार केला. तसं तिनं विचारताच दिवाकर त्रोटकपणे म्हणाला, काही जायचं नाही. का? आज संध्याकाळी मी कर्जतला जाणार आहे, अनुराधा म्हणाली. यावर मुद्रेवरली शांतता अजिबात ढळू न देता परंतु तीव्र स्वरात दिवाकर उत्तरला, जायचं नाही आणि गेलीस तर परत यायचं नाही. हे बोलून तो निघून गेला आणि अनुराधा मात्र झसझसून लढू लागली. असे प्रसंग वारंवार घडायला लागले. आज सकाळी गावात राहणाऱ्या आते बहिणीचं निमंत्रण आलं म्हणून नोकराजवळ निरोप ठेवून तिच्याकडे ती जागरणासाठी गेली. सकाळी 8 वाजता अनुराधा परत आली तेव्हा नोकरानं सांगितलं, साहेब अजून उठले नाही. अनुराधेनं आतल्या खोलीत पलंगावर निजलेल्या दिवाकराच्या कपाळावर हात ठेवला आणि विचारलं, बरं नाही का वाटत? दिवाकरानं आपले तारवटलेले डोळे उघडून तिच्याकडे पाहिलं. ती भयभीत झाली, मागे सरकू लागली. पण तिला तितकाही अवसर त्यानं दिला नाही. तो बेहोशपणे उठला आणि जवळचं पुस्तक घेऊन त्यानं तिच्या कानशिलावर इतका कठोर प्रहार केला की तिला मूर्छा येते असं वाटलं. दुसऱ्या क्षणी दिवाकरनं त्याच हातानं तितक्याच कठोरपणानं अनुराधेला आपल्याकडे पलंगावर ओढून घेतलं. शरीराभोवती त्याच्या हातांची मिठी पडताच तिची शुद्ध हरपली. तिला जाग आली तेव्हा ती खोलीत एकटीच होती. आपल्या शरीराची तिला किळस आली होती. मलिन वस्त्राप्रमाणे हे शरीरही जर फेकून देता आलं असतं तर ते दिव्यही करायला ती त्या क्षणी तयार झाली होती. पण ते शक्य नव्हतं. शक्य एकच होतं आणि ते म्हणजे त्या घराचाच त्याग करणं. दुपारी दिवाकर घरी आला. जेवण झाल्यावर दिवाणखान्यात तो एक्सरेची काच पाहत राहिला होता. अनुराधा त्याच्यासमोर उभी राहिली. म्हणाली, मी जातीये. कुठे जातेस? या घराबाहेर. सध्या इतकंच माहितीये मला. परत केव्हा येणार? परत येण्यासाठी नाहीये जात मी. दिवाकराच्या हातातली काच जमिनीवर खळकन पडली. ती पडली की त्यानं टाकली. कुणास ठाऊक? सकाळी होता तसाच क्रोध त्याच्या चर्येवर धगधगू लागला. तो घोगऱ्या आवाजात तिला म्हणाला, तुला जाता येणार नाही. मी मंगळसूत्र घातलंय तुझ्या गळ्यात. कुठलं बळ तिच्या अंगात संचारलं होतं कुणास ठाऊक. तिनं हिसका देऊन मंगळसूत्र तोडलं आणि त्याच्या अंगावर फेकत म्हणाली, मंगळसूत्र तुटतात. दिवाकर तिच्याजवळ येण्याच्या आत ती वेगानं घराबाहेर पडली. वाऱ्यावर वाहणाऱ्या खिडकीसारखी रस्ता नेईल तिकडे जाऊ लागली. गाडी थांबली म्हणून तिनं बाहेर पाहिलं. कल्याण स्टेशन आलं होतं. म्हणजे पुणे शहर, तिथलं दिवाकरचं घर, त्यातला तिचा संसार, या सर्वापासून ती 100 मैल दूर आली होती. पुन्हा नव्या जीवनात पाऊल टाकत होती. प्रसन्नतेची, मुक्ततेच्या आनंदाची एक लहर तिच्या अंतःकरणाला स्पर्श करून गेली. आता दिवाकरासंबंधी तिला रागही वाटत नव्हता. दिवाकर चांगला होता, खरोखर फार चांगला होता. पण दोन माणसं चांगली असली तरी एकत्र राहू शकतीलच का? पाचाला तिनानं भाग देता येत नाही. दोन्ही आकड्यात कमीपणा काहीच नाही. पण भाग जात नाही एवढं मात्र खरं.
धन्यवाद. दो अच्छे लोग साथ रहे जरूरी नहीं है. दो अच्छे लोग साथ रह नहीं पाते. वही कह रहा हूँ, दो अच्छे लोग साथ रहे ये कोई जरूरी नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. दो अच्छे लोगों का एक साथ मतलब निभा हो ये भी जरूरी नहीं है. बाजी आप कुछ पढ़ने वाली हैं? मैं नहीं नहीं आज मेरे पास कुछ भी नहीं है. तो सोना जी आप वापस आ गई हैं? हाँ सर, पता नहीं कितनी देर चलेगा ये मालूम नहीं. आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं मालूम नहीं. सुनाई तो दे रहा है, लेकिन आप चांस लेना चाहती हैं नहीं लेना चाहती हैं? नहीं, अब अगर सुनाई दे रहा है तो शायद अब चल जाएगा. सुनाइए मालती जोशी की कहानी प्रतिरोध. जी हाँ जी. उसके पूरे बदन पर जैसे छिपकलियां रेंग रही थी. नंदोई जी का तिल जिला स्पर्श याद करके उसे उबकाई आ रही थी और वासना से सने शब्द अब तक कानों में झनझना रहे थे. उस समय बंद तो हुआ कि एक जोर का तमाचा जड़ दे, पर रिश्ते आड़े आ गए, इसलिए सिर्फ धमकाकर छोड़ दिया. बदले में उन्होंने भी धमकी दे ही डाली, शिकायत करके तो देखो इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहोगी. एक क्षण तो मीरा सहम गई. अभी शादी को कुल जमा 6 महीने भी नहीं हुए हैं और वह कैसे दुष्चक्र में फंस गई है. उसकी शादी के बाद ननद पहली बार सपरिवार घर आई है. उन लोगों की खातिरदारी में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर पता नहीं नंदोई जी के साथ वह सहज नहीं हो पाई. उसके अंतर मन ने उसे सचेत कर दिया कि इस आदमी की नजर साफ नहीं है और आज उसका यह डर सच साबित हो गया. दोपहर का खाना खाकर पति सुयश दुकान चले गए थे. अम्मा जी बिटिया को लेकर सुनार के पास गई थी. घर में कोई न था. नंदोई जी ने अच्छा मौका जानकर मीरा से चाय मंगवाई. चाय रखकर जैसे ही वह जाने को मुड़ी वो बोले, चाय क्या कोई अकेले पीने की चीज है? जाओ एक कप और ले आओ. नहीं मुझे अभी बहुत काम है, कहकर मीरा जैसे ही जाने के लिए मुड़ी उन्होंने उसका आंचल पकड़ लिया. जीजा जी आप होश में तो हैं? उसने किसी तरह अपना आंचल छुड़ाते हुए कहा. होश में कहा हूं, मेरे होश तो तुमने ले लिए हैं. जीजा जी आप जीजा जी आप घर के बड़े हैं, बड़ों की तरह व्यवहार कीजिए. अरे बड़ा हूं तो क्या, बूढ़ा तो नहीं हूं. चाय का तो एक बहाना था, सोचा था इसी बहाने तुम मेरे पास 5 मिनट बैठोगी, पर तुम तो जैसी मेरी छाया से भी दूर भागती हो. मेहमानों के साथ आप तो फिर मेहमानों की मर्यादा में रहिए ना, नहीं तो क्या कर लू. अच्छा तुम्हारा पति सुयश मिट्टी का माधो क्या बिगाड़ लेगा मेरा. इसके बाद मीरा सीधा ऊपर अपने कमरे में चली गई. और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया. वह शाम तक सास ननंद के आने तक कमरे के अंदर ही बंद रही. उनके आने के बाद जब वह निकली तो जीजा जी बाहर निकल चुके थे. मीरा ने फटाफट खाना बनाकर सास और ननंद सर एक मिनट
मीरा ने फटाफट खाना बनाकर सास और ननद को खिलाया और रोज की तरह सुयश के आने की प्रतीक्षा करने लगी। आज सुयश न केवल देर से आए वरन गुस्से से भी भरे थे। मीरा ने कुछ कहना चाहा तो चिल्लाकर बोले, लीव मी अलोन, आंखें लड़ाने का बहुत शौक है ना तुम्हें। मीरा स्तब्ध रह गई। वह जानती थी कि सुयश हमेशा हीन ग्रंथि से ग्रसित रहते हैं। मीरा गरीब घर से थी पर रूप उसने राज रानी सा पाया था। वे स्वयं को मीरा के योग्य नहीं समझते थे। आज तक उन्होंने मीरा से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। पलक झपकते ही मीरा को सब कुछ समझ में आ गया। बोली, एक बात तो बताइए, आपके जीजा जी आपके लिए पूजनीय हो सकते हैं पर क्या वे विश्वसनीय भी हैं? सुयश चौंककर बोले, जीजा जी को क्यों बीच में ला रही हो, आप उन्हीं के साथ गए थे ना। सुयश चुप। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी शिकायत की तो वे मुझे बदनाम कर देंगे, लेकिन वे इतने कायर निकले कि उन्हें मेरे शिकायत करने तक का सब्र नहीं हुआ। उन्होंने पहल करने में ही अपनी कुशलता समझी। खैर, मैं अभी आई, कहाँ जा रही हो? उस आदमी को उसकी औकात तो दिखा दूं। वैसे यह काम आपको करना चाहिए था, लेकिन जब आपको अपनी कुंठाएं सहलाने से ही फुर्सत नहीं तो अपनी लड़ाई तो मुझे ही लड़नी होगी। वह दंदनाती हुई अम्मा जी के कमरे में पहुंच गई, जहां जमाई राजा पान चबाते हुए लफाजी झाड़ रहे थे। अम्मा, आपने बड़ी गलती कर दी, बस गोरा रंग देखा और रीझ गए। अरे, ये छोटे घरों की लड़कियां रासलीला रचाने में बड़ी माहिर होती हैं। वो तो आपके आशीर्वाद से आज मैं बच गया, वरना। मीरा सीधी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। बोली, ये किसकी रासलीला का बखान हो रहा है जीजा जी, हम भी तो सुने। नंदोई जी सन्न रह गए और बोले, मैं जस्टिस के मुंह नहीं लगता, और जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीरा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और ननद की गोद पे लेटे उनके बेटे के सिर पर रख दिया। अब बोलिए जीजा जी, ये जो आप अम्मा जी को गाथा सुना रहे थे उसमें कितना सच है? नंदोई जी के माथे पर पसीना छलक आया। जिस स्पर्श के लिए वे पिछले 4-5 दिन से लालायित थे, वह वज्र के समान कठोर और अग्नि सा दाहक लग रहा था। खबरदार, जो मेरे बेटे की झूठी खत्म कसम खाई। अचानक ही छाया ने पति का हाथ इतनी जोर से झटका कि नंदोई और मीरा दोनों गिरते गिरते बचे। मैं खूब जानती हूं आपको और आपकी काली करतूतों को भी। ननंद, छाया बोल पड़ी, जानती हो अम्मा, मेरे देवर 6 महीने के लिए विलायत गए थे, उनके पीछे इन्होंने मेरी देवरानी के अकेलेपन का खूब फायदा उठाया। अब अपने घर को तो नर्क बना ही रखा है, अब मेरे भाई के घर में भी गंदगी फैला रहे हैं। सुयश जाने कब से दरवाजे पर खड़ा सब देख सुन रहा था। आवेश में बोला, जीजा जी आप इसी समय यहां से चले जाइए, वरना घर का सबसे आदरणीय अतिथि बेइज्जत होकर चला गया। घर में सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद मीरा बोली, अम्मा जी अपने बेटे से कहें कि कल सुबह मुझे मेरे घर छोड़ आए। अम्मा जी बोली, तुम क्यों जाओगी बहू, जिसे जाना था वो तो गया। नहीं, मैं ऐसे वातावरण में नहीं रह सकती जहां हर रोज नए सिरे से मुझे खुद को साबित करना पड़े। यूं ही मेरी लड़ाई जीजा जी से थोड़ी है, वे तो पराए हैं। इतना सुनना था कि सुयश आदेश भरे स्वर में बोले, पता है मुझे तुम्हारी लड़ाई मुझसे है,
पर रात के 12 बजे इसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ ऊपर अपने कमरे में, बाकी बातें कल करेंगे। उनके स्वर में आदेश पर आंखों में प्रेम, प्रार्थना, प्रायश्चित और मौन निमंत्रण के भाव थे। अंततः मीरा के विद्रोह ने उसे विजयी बना ही दिया। वह कुछ भी न कहकर चुपचाप अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। धन्यवाद। चलिए अब मैं बुला रहा हूं माधवी त्रिवेदी जी को। माधवी जी। जय हिंद। जय हिंद। माधवी जी आपको सुना रही हैं यशपाल जी की कहानी करवा का व्रत। हाँ जी। तो माधवी जी ने सुनिए यशपाल की कहानी करवा का व्रत। आज सबसे पहले तो मैं अपनी सभी बहनों को इस करवा के व्रत के लिए, करवा चौथ का व्रत जो होता है ना, दिवाली के 12 दिन पड़ता है, उसके लिए बधाई दूंगी। और सभी स्त्रियां इसको करती हैं। और इसमें यशपाल जी ने कहानी की नायिका लाजो को पति परमेश्वर मानकर उसकी, ये विषय मैंने अगले महीने के लिए सोच रखा था, बट आपने कोई बात नहीं, ठीक है, फिर अगले बार फिर दूसरी कहानी पढ़ दूंगी मैं, करवा कर लिख लूंगी नहीं तो। माधवी जी आपको भी बधाई। हाँ, आप सभी अपनी बहनों को बधाई देना चाहती हूँ मैं जी, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आप सभी को। अच्छा, कन्हैया लाल अपने दफ्तर के हमजोलियों और मित्रों से 2-3 बरस बड़ा ही था, परंतु ब्याह उसका उन लोगों के बाद हुआ। उसके बहुत अनुरोध करने पर भी साहब ने उसे सप्ताह के लिए, ब्याह के लिए सप्ताह भर से अधिक छुट्टी ना दी थी। लौटा तो उसके अंतरंग मित्रों ने भी उससे वही प्रश्न पूछे जो प्रायः ऐसे अवसर पर दूसरों से पूछे जाते हैं, और फिर वही परामर्श उसे दिए गए जो अनुभवी लोग नवविवाहितों को दिया करते हैं। हेमराज को कन्हैया लाल समझदार मानता था। हेमराज ने समझाया, बहू को प्यार तो करना ही चाहिए, पर प्यार में उसे बिगाड़ देना या सिर चढ़ा लेना भी ठीक नहीं। औरत सरकश हो जाती है तो आदमी को उम्र भर जोरू का गुलामी बना रहना पड़ता है। उसकी जरूरतें पूरी करो, पर रखो अपने काबू में। मारपीट बुरी बात है, पर यह भी नहीं कि औरत को मर्द का डर ही ना रहे। डर उसे जरूर रहना चाहिए, मारे नहीं तो कम से कम घुर्रा तो जरूर दे। 3 बात उसकी मानो तो 1 में ना भी कर दो। यह ना समझ ले कि जो चाहे करिया करा सकती है। निस्वार्थ भाव से हेमराज ने कन्हैया की दी हुई सीख को पल्ले बांध ली। लाजवंती अलीगढ़ में 8वीं जमात तक पढ़ी थी। बहुत सी चीजों के शौक थे, कई ऐसी चीजों के भी जिन्हें दूसरे घरों की लड़कियों को या नई ब्याही बहुओं को करते देखकर मन मार कर रह जाना पड़ता था। उसके पिता और बड़े भाई पुराने ख्याल के थे। सोचती थी ब्याह के बाद सही, उन चीजों के लिए कन्हैया से कहती। लाजो के कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि कन्हैया का दिल इनकार करने को ना करता, पर इस ख्याल से कि बहू सरकश ना हो जाए, 2 बातें मानकर तीसरी पर इनकार भी कर देता, लाजो मुंह फुलाती तो सोचती कि मनाएंगे तो मान जाऊंगी, आखिर तो मनाएंगे ही। पर कन्हैया मनाने की अपेक्षा डांट ही देता, 1 आध बार उसे थप्पड़ भी चला दिए। मनौती की प्रतीक्षा में जब थप्पड़ पड़ जाता तो दिल कट कर रह जाता और लाजो अकेले में फूट फूट कर रोती। फिर उसने सोच लिया, चलो किस्मत में यही है तो क्या हो सकता है। वह हार कर खुद ही बोल पड़ती। कन्हैया का हाथ पहले 2 बार तो क्रोध में बेबसी में चलता था, पर जब चल गया तो उसे अपने अधिकार और शक्ति का संतोष अनुभव करने के नशे से बड़ा नशा दूसरा कौन होगा।
इस नशे में राजा देश पर देश समेटते जाते थे, जमींदार गांव पर गांव और सेठ मिल और बैंक खरीदते चले जाते थे। इस नशे की सीमा नहीं। यह चस्का पड़ा तो कन्हैया के हाथ उतना क्रोध आने की प्रतीक्षा न करते और चल ही जाते। मार से लाजो को शारीरिक पीड़ा तो होती ही थी, पर उससे अधिक होती थी अपमान की पीड़ा। ऐसा होने पर वह कई दिन के लिए उदास हो जाती, घर का सब काम करती, बुलाने पर उत्तर भी देती। लाजो के सब तरह अधीन हो जाने पर भी कन्हैया की तेजी बढ़ती जा रही थी। वह जितनी अधिक बेपरवाही और स्वच्छंदता लाजो के प्रति दिखा सकता, उसे अपने मन में उतना ही अधिक उसे अपना समझने का प्यार और संतोष पाता। कुंवार के अंत में पड़ोस की स्त्रियां करवा चौथ के व्रत की बात करने लगी थी, एक दूसरे को बता रही थी कि उनके मायके से करवे में क्या आया। पहले बरस लाजो का भाई करवा लेकर आया देख गया था, इस बरस भी वह प्रतीक्षा में थी। जिनके मायके शहर से दूर थे उनके मायके से रुपए आ गए थे। कन्हैया अपनी चिट्ठी पत्री दफ्तर के ही पते से मंगाता था। दफ्तर से आकर उसने बताया, तुम्हारे भाई ने करवे के 2 रुपए भेजे हैं। करवे के रुपए आ जाने से ही लाजो को संतोष हो गया। करवा चौथ का व्रत भला कौन स्त्री नहीं करती। जन्म जन्म यही पति मिले इसलिए दूसरे व्रतों की परवाह न करके पढ़ी लिखी स्त्रियां भी इस व्रत की उपेक्षा नहीं कर सकती। अवसर की बात, उस दिन कन्हैया लंच की छुट्टी में साथियों के साथ कुछ ऐसे काबू आया कि 3.25 रुपए खर्च हो गए। वह लाजो का बताया सरगी का सामान घर नहीं ला सका। कन्हैया खाली हाथ घर लौटा तो लाजो का मन बुझ गया। उसने गम खाना सीख कर रूठना छोड़ दिया था, परंतु उस सांझ मुंह लटक ही गया, आंसू पोंछ लिए और बिना बोले चौके बर्तन के काम में लग गई। रात को भोजन के समय कन्हैया ने देखा कि लाजो मुंह सुजाए है, बोल नहीं रही है, तो अपनी भूल कबूल कर उसे मनाने या कोई और प्रबंध करने का आश्वासन देने के बजाय उसे डांट दिया। लाजो का मन और भी बिंध गया। कुछ ऐसा ख्याल आने लगा, इन्हीं के लिए तो व्रत कर रही हूँ और यही ऐसी रुखाई दिखा रहे हैं। मैं व्रत कर रही हूँ, अगले जन्म में भी इनसे ही ब्याह हो और इन्हें मैं सुहा ही नहीं रही हूँ। अपनी उपेक्षा और निरादर से भी रोना आ गया, कुछ खाते न बना, ऐसे ही सो गई। अगले दिन लाजो को पड़ोसनों की आवाज पुकार सुनाई दी, वे उसे बुलाने आई थी। करवा चौथ का व्रत होने के कारण सभी स्त्रियां उपवास करके भी प्रसन्न थी, पर लाजो का सिर दर्द और बदन टूटने की बात कहकर टाल गई और सोचने लगी, ये सब तो सुबह सरगी खाए हुए हैं, जान तो मेरी निकल रही है। फिर अपने दुखी जीवन के कारण मर जाने के ख्याल आया और कल्पना करने लगी, करवा चौथ के दिन उपवास किए मर जाए तो इस पुण्य से जरूर ही ये पति मिलेगा, अगले जन्म में मिले। लाजो की कल्पना बावली हो उठी, वह सोचने लगी, मैं मर जाऊं तो इनका क्या है, और ब्याह कर लेंगे, जो आएगी वो भी करवा चौथ का व्रत करेगी, अगले जन्म में दोनों का इन्हीं से ब्याह होगा, हम सौतें बनेंगी। सौत का ख्याल उसे और भी बुरा लगा। फिर अपने आप समाधान हो गया, नहीं, पहले मुझसे ब्याह होगा, मैं मर जाऊंगी तो दूसरी से होगा। अपने उपवास के इतने भयंकर परिणाम की चिंता से मन अधीर हो उठा, भूख अलग व्याकुल किए थी। उसने सोचा, क्यों मैं अपना अगला जन्म भी बर्बाद करूं, भूख के कारण शरीर निढाल होने पर भी खाने को मन नहीं हो रहा था, परंतु उपवास के परिणाम की कल्पना से मन क्रोध से जल उठा, वह उठ खड़ी हुई। कन्हैया लाल के लिए उसने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से बची 2 रोटियां कटोरदान में पड़ी थी। लाजो उठी और उपवास के फल से बचने के लिए उसने मन को वश में करके एक रूखी रोटी खा ली।
और एक गिलास पानी पीकर फिर लेट गई। मन बहुत खिन्न था। कभी सोचती यह मैंने क्या किया, व्रत तोड़ दिया। कभी सोचती ठीक ही तो किया, अपना अगला जन्म क्यों बर्बाद करूं। ऐसे पड़े पड़े झपकी आ गई। कमरे के किवाड़ पर धम धम सुनकर लाजो ने देखा रोशनदान से प्रकाश की जगह अंधकार भीतर आ रहा था। समझ गई दफ्तर से लौटे हैं। उसने किवाड़ खोले और चुपचाप एक ओर हट गई। कन्हैया लाल ने क्रोध से उसकी ओर देखा। अभी तक पारा नहीं उतरा, मालूम होता है झाड़े बिना नहीं उतरेगा। लाजो के दुखे हुए दिल पर और चोट पड़ी और पीड़ा क्रोध में बदल गई। कुछ उत्तर न दे वह घूम कर फिर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। कन्हैया लाल का गुस्सा भी उबल पड़ा। यह अकड़ है, आज तुझे ठीक ही कर देता हूं, उसने कहा और लाल को बाहों से पकड़ खींच कर गिराते हुए दो थप्पड़ पूरे हाथ के जोर से ताबड़तोड़ जड़ दिए। खड़ी हो सीधी। लाजो का क्रोध भी सीमा पार कर चुका था। खींची जाने पर भी फर्श से उठी नहीं और मार खाने के लिए तैयार हो गई। उसने चिल्ला कर कहा, मार ले मार ले, जान से मार डाल, पीछा छूटे आज ही तो मारेगा। मैंने कौन व्रत रखा है तेरे लिए, जो जन्म जन्म मार खाऊंगी, मार मार डाल। कन्हैया लाल का लात मारने के लिए उठा पाओ अधर में ही रुक गया। लाजो का हाथ उसके हाथ से छूट गया। वह स्तब्ध रह गया। मुंह में आई गाली भी मुंह में ही रह गई। ऐसे जान पड़ा कि अंधेरे में कुत्ते के धोखे जिस जानवर को मार बैठा था उसकी गुर्राहट से जाना कि वह शेर था। यह लाजो को डांट मार सकने का एक भ्रम ही था। कुछ क्षण वह हाफता हुआ खड़ा और सोचता रहा, फिर घाट पर बैठकर चिंता में डूब गया। लाजो फर्श पर पड़ी रो रही थी। उस ओर देखने का साहस कन्हैया लाल को ना हो रहा था। वह उठा और बाहर चला गया। लाजो फर्श पर पड़ी फूट फूट कर रोती रही। जब घंटे भर रो चुकी तो उठी। चूल्हा जलाकर कम से कम कन्हैया के लिए खाना तो बनाना ही था। बड़े बेमन उसने खाना बनाया। बना चुकी तब कन्हैया लाल लौटा, लौटा नहीं था। लाजो ने खाना ढक दिया और कमरे की किवाड़ उड़क कर फिर फर्श पर लेट गई। यही सोच रही थी, क्या मुसीबत है, यह जिंदगी है, यही झेलना था तो पैदा ही क्यों हुई थी, मैंने क्या किया था जो मारने लगे। किवाड़ों के खुलने का शब्द सुनाई दिया। वह उठने के लिए आंसुओं से भीगे चेहरे को आंचल से पोंछने लगी। कन्हैया लाल ने आते ही एक नजर डाली और उसे पुकारे बिना ही वह दीवार के साथ बिछी चटाई पर चुपचाप बैठ गया। कन्हैया लाल का ऐसे चुप बैठ जाना नई बात थी। पर लाजो गुस्से में कुछ ना बोल रसोई में चली गई। आसन डाल थाली कटोरी के तक खाना परोस दिया है। कन्हैया लाल दो ही रोटी खाकर उठ गया। लाजो मन मार कर स्वयं खाने बैठी तो देखा कद्दू की तरकारी बिल्कुल कड़वी हो रही थी। मन की अवस्था ठीक न होने से हल्दी नमक दो बार पड़ गया था। बड़ी लज्जा अनुभव, हाय इन्होंने कुछ कहा भी नहीं, ये तो जरा कम ज्यादा हो जाने पर डांट देते थे। लाजो से दुख में खाया नहीं गया। यूं ही कुल्ला कर हाथ धोकर इधर आई कि बिस्तर ठीक कर दे, चौका फिर समेट लेगी। देखा तो कन्हैया लाल स्वयं ही बिस्तर झाड़कर बिछा रहा था। लाजो जिस दिन से इस घर में आई थी ऐसा कभी नहीं हुआ था। लाजो ने शर्मा कर कहा, मैं आ गई, रहने दो, ये देती हूँ, और पति के हाथ से दरी चादर पकड़ ली। लाजो बिस्तर ठीक करने लगी थी तो कन्हैया लाल दूसरी ओर से मदद करता रहा। फिर लाजो को संबोधन किया, तुमने कुछ खाया नहीं, कद्दू में नमक ज्यादा हो गया है, सुबह और पिछली रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था, ठहरो मैं तुम्हारे लिए दूध ले आऊं। लाजो के प्रति इतनी चिंता कन्हैया लाल ने कभी नहीं दिखाई थी।
जरूरत भी नहीं समझी थी, लाजो को अपनी चीज समझा था। आज वह ऐसे बात कर रहा था जैसे लाजो भी इंसान हो, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। लाजो को शर्म तो आ रही थी पर अच्छा भी लग रहा था। करवा साल बीते, करवा चौथ का फिर व्रत आया। अगले दिन लाजो ने समय पर खाना तैयार कर कन्हैया को रसोई में पुकारा, आओ खाना परोस दिया है। कन्हैया ने जाकर देखा खाना एक ही आदमी के लिए परोसा था। और तुम? उसने लाजो की ओर देखा, वाह मेरा तो व्रत है, सुबह सरगी भी खा ली, अभी तुम सो ही रहे थे। लाजो ने मुस्करा कर प्यार से बताया, यह बात तो हमारा भी व्रत रहा। आसन से उठते हुए कन्हैया लाल ने कहा। लाजो ने पति का हाथ पकड़कर रोकते हुए समझाया, क्या पागल हो, कई मर्द भी करवा चौथ का व्रत करते हैं, तुमने सरगी कहाँ खाई? नहीं नहीं यह कैसे हो सकता। कन्हैया नहीं माना, तुम्हें अगले जन्म में मेरी जरूरत है तो क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या तुम भी व्रत ना रखो आज। लाजो पति की ओर कातर आंखों से देखती हार मान गई। पति के उपास से दफ्तर जाने पर उसका हृदय गर्व से फूला नहीं समा रहा था। धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद। बहुत अच्छे कहानी, थैंक यू। अब भाई आज कल्पेश वेदक भी कहानी पढ़ने वाले हैं। और कल्पेश आ भी गए, कल्पेश आपको सुना रहे हैं जी सर यादव की कहानी, शीर्षक है जॉम्बी। जॉम्बी, जय हिंद। जय हिंद बेटा। मैं जो आज कहानी पढ़ने जा रहा हूँ वो मराठी है, कहानी का नाम है जॉम्बी और इस कहानी के लेखक है आनंद यादव। ये कहानी है गांव में स्थित एक परिवार की, जो जिसमें घर का पूरा गुजारा खेती के कामों से आने वाले आमदनी पर होता है। पिता और बेटे के दरमियान होने वाले संघर्ष की ये कहानी, जिसमें बेटे को आगे पढ़ना है और पिता चाहता है कि वो खेती में मदद करे। आखिर बेटा अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर घर छोड़कर चला जाता है ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, और आखिर में पिता उसकी बात समझ लेते हैं और शिक्षा पूरी करने की अनुमति देते हैं। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ जॉम्बी, लेखक आनंद यादव। दादा यावेळी माझी शाळा बंद करायच्या जिद्दीला पडला होता, त्याला मी फसवलंय, भूल पाता देऊन खेळवतोय, पावसाळ्यापुरतं जातो असं म्हणून ही पावसाळा संपला, डोंगरभर काम मळ्यात उगवली तरी मी शाळा बंद करत नाही यात त्याला पराभव वाटत होता, त्याच्या चांगुलपणाचा मी फायदा घेतला असं त्याला वाटत होतं। कोर्ट कचेऱ्यांनी जवळ एकही दमडी नसल्यानं, कर्ज कुठं मिळेना झाल्यानं, नि अगोदरचाच बोजा कसा फेडायचा याच्या चिंतेत तो हैराण झाला होता। अशा वेळी मी त्याला साथ द्यायची सोडून, कामधाम सोडून शाळेला जातो असं म्हणालो याचा त्याला संताप येत होता। शाळेच्या सततच्या विरोधामुळे मी वैतागून गेलो होतो, दादाच्या माराला फारशी भीक घटत नव्हतो, पूर्वीसारखं मुकाट न बसता माझ्यावर होणाऱ्या अन्यायाविषयी बोलत होतो, शाळेला जाणार म्हणून ठामपणेही सांगत होतो, मनात कुठंतरी बंड करून उठत होतो मी। कोणत्याही परिस्थितीत SSC याच वर्षी पदरात पाडून घ्यायची अशी जिद्द मनात होती। जेवताना बरीच वादावादी झाली, 4 दिवस शाळा बंद कर नि भुईमूग काढून घे असं दादा मला म्हणाला, मी नकार दिला, पहाटे लवकर उठून 11 वाजेपर्यंत काम करून शाळेला जातो असं म्हणालो मी त्याला। दिवसभर कुणी तुझ्या बाण बघायचं, तू बघ की 4 दिवस आता काय कोर्टाची तारीख नाही, बाकीची कोर्टाची कामं आहेत माझी, 4 दिवस पुढे ढकल, मला उलट शहाणपणा सांगतोस, हा तांब्या बघितलास का, त्यानं जेवणाचा तांब्या माझ्यावर उगारला। मी हात धुत म्हणालो, हो बघितला, थांब तुझ्या जेवल्यावर दावतो तुला, बरं बरं दाव दाव। काळोखात बाहेर पडलो, सणगर गल्लीतल्या फरशीवर रात्रीची पोरं बसत होती, तिथं गेलो पण तिथं कुणीही नव्हतं, म्हणून आबाजीच्या खोलीत जाऊन बसलो। तिथं त्यांचा थोरला भाऊ अभ्यास करत बसला होता, म्हणून आबाजीला म्हणालो, तुझ्या संग जरा महत्वाचं बोलायचंय, बाहेर येतोस का? आबाजीनी मी फरशीवर जाऊन बसलो, त्याला घरातली सगळी हकीकत सांगितली।
हे सांगताना मनात एक अपेक्षा होती की जेवण करून दादा मळ्याकडे जाईल आणि मग आपण अभ्यास करत निवांतपणे बसावं. पण अर्ध्या तासातच दादा कंदील आणि वस्तीची काठी घेऊन फरशीवर आला. आंध्या काय मळ्याकडे चल. दादाचा प्रचंड राग तुंबलेला आवाज ऐकून आबाजी गांगरून गेला. खालच्या आवाजात मला म्हणाला, आनंदा तू जा मळ्याकडं. असं म्हणून मी उठलो. मला पुढं घालून दादा चालू लागला. मी मळ्याकडे जाणार नव्हतो तरी त्याचा नूर बघून पोटातलं काळीज हादरून गेलं. मी मनाचा हिय्या केला. गल्लीत भांडणं नकोत, सगळ्या गल्लीसमोर आपल्याला मार नको म्हणून दादाच्या पुढं चालू लागलो. तिकटी आली. एक वाट मळ्याकडे जात होती आणि दुसरी घराकडं. मी घराकडे वळलो. हिकडं 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 वाट आहे मळ्याची. मी घरच्या वाटेनंच पुढं जाऊ लागलो. मी घरात जाऊन पोचलो. दादा घरात आला. मी पुस्तकाच्या कपाटापाशी जाऊन उभा राहिलो. दादानं कंदील बाजूला ठेवला, हातातली काठी कमरेला टेकून तिच्यावर रेलून दारातच उभा राहिला. येतोस का नाही मळ्याकडं? नाही जा येत मी. फॉर्मची परीक्षा जवळ आली, अभ्यासासाठी घरात राहणार आहे. तुला ती शाळा पेटी म्हणून कितींदा सांगितलंय. मी शाळा सोडणार नाही, मी वस्तीला बी येणार नाही. लई जड जाईल, ठार मारलंस तरी पत्करलं. अरे गतकाळीच्या खायला घालून दांडगा केलाय तुला तेव्हा असं बोलतोस. सगळं जग घालतंय आपल्या पोरांच्या पोटाला, तूच तेवढा घालून अपूर्वाई केली नाहीस. दादानं काठी भिंतीला लावून फाड फाड मला दोन कानशिलात लगावल्या. माझा संताप अनावर झाला. जन्मल्याबरोबर नक्का लावलं नाहीस माझ्या घाट्याला. केलेलं निस्तऱ्याचं असलं तर भीक माग तुझ्या नि पोराबाळांच्या पोटापायी. माझी वाट बघू नको, मी शिकणार हाय. तोंडाला येईल ते जीवावर उदार होऊन बडबडत होतो मी. दादानं खसखन हातात काठी घेतली. बाळ डोक्यात फरशी अडकवतीच्या शेंड्याला. मला किरं उलटून बोलतय बेन. माझ्या गुडघ्यावर दान करून एक काठी बसली. आई करत मी कोलमडून खाली पडलो. मरण्याच्या कळा आल्या आणि गुडघ्यातल्या जीव गेला. आई धावत आली आणि तिनं दादाच्या हातातल्या काठीला हात घातला. पोराला मारता काय? थाट दिशी ती भिंतीवर जाऊन आदळली. दादानं तिच्या छातीवर आडव्या पैलवानी मनकटाचा दणका दिला होता. अर धावा र माझं पोरग मेलय म्हणून तिनं बोंब ठोकली. पटापट गल्लीतली आणि रस्त्यातनं जाणारी माणसं जमा झाली. जंगमाचा शंकरअण्णा नेमका दारावरनं वस्तीला चालला होता. त्यानं आत घुसून दादाच्या हातातली काठी हिसकावून घेतली. शंकर्या सोड मला, अरे सोड मला. लाथा मारायला धावलेल्या दादाला दोघांनी आवरलं होतं. त्यांच्या कमर तिढ्यातनं दादा उसळून बाहेर पडू बघत होता. आंदा बाहेर चल बघू आधी, शंकरअण्णा म्हणाला. त्याला आता कशाला बाहेर काढता? आता त्याचा मुर्दा त्या घराच्या बाहेर पडेल. नगा हे पुत्र माझ्या वंशाला. मारीन कानसुलात. कुणीकडनं म्हातारा होईत चाललाय. सोन्यासारखं पोर त्याच्या भणी रगात आठवून शिकतय. त्याच्या का उगच पाठी लागलायस? घेरडा आहेस तुझा, तू राबून पोरस पोरास निघालाय. चल आंदा माझ्याकडं, माझ्या घराकडं, मी तुला शिकवतो तुला. माणसांची मुकरंड पडली होती. दादाच्या भोवती सगळ्यांनी गर्दी केली होती. मी रडा आवरून बोललो, अण्णा मला तुमच्या घराकडे यायचं नाही. याला जर मला शाळेला शिकवायचं निभत नसलं तर मी जातो कुठं तर माझं तोंड घेऊन शिकतो. अरे चल हो बाहेर, तू काय करणार आहेस माझं कल्याण भिकनुषा? दादाची जोरात धडपड सुरू झाली. मी माझ्या कपाटाची किल्ली बघू लागलो. ऐनवेळी ती सापडेना. दोन्ही हातांनी धरून कुलूप पिरगळून काढलं. आतल्या नकलांच्या कवितेच्या गाण्यांच्या बोलपट लिहून काढलेल्या वह्या घेतल्या. तो माझा आत्मा होता. तो घेऊन मी बाहेर पडलो. आईनं रडून योट केला. लहान पोरं एकदम चित्कारले. गर्दी हटवत मी बाहेर सटकलो. चौथ्या दिवशी मी कुणालाही न सांगता कागल सोडून कोल्हापूरला निघून गेलो. पुस्तकं वाचून कळत होतं जग एवढं काही माणुसकीला पारखं नाही. कुणाकडंही आपण जाऊन राहू, कोणतीही कामं करून आणि शिक्षण तेवढं पूर्ण करू. चालत चालत 11 सुमाराला कोल्हापुरात येऊन पोचलो. 12 मैलांचं अंतर तोडताना पायांच्या खुंट्या ताटकळून गेल्या होत्या. तरी डोक्यात वादळ घोंगावत होतं. काय करावं, कुठं जावं काहीही सुचत नव्हतं. मात्र आता त्या घराकडं मेलो तरी पळायचं नाही अशी मनाशी गाठ बसली होती. सगळं कोल्हापूर धुंडून संपलं. बसला जागा उठवत नव्हता तरी परत कागलला जाण्याची इच्छा होत नव्हती. 7 दिवशी 11 सुमाराला स्टेशनकडे चाललो. कोल्हापुरात नाही, निदान पुण्यात तरी कुणी भलं माणूस भेटेल असं वाटलं. अचानक कुणीतरी येऊन हात धरला.
मी मागे बघितलं गोपा त्या त्या हसत मुखानं बघत होता. त्या अवस्थेत ही माझ्या डोळ्यात राग आणि अश्रू एकदम भरले. श्वास वेगानं जाऊ लागले. नागपुड्या फुगल्या. अरे सोड मला, आता बाचं तोंड बी बघायचं नाही. मी हात सोडून घेण्याचा प्रयत्न करू लागलो. तात्या शांतपणे म्हणाला, अरे जरा कुठंतरी निवांत बसूया, चल सगळं सांगतो तुला. पाठीमाग नाना तरा घडल्यात. रत्नाप्पाला तुझ्या पायात खूळ लागायची पाळी आली आहे. त्यो नि तुझी आई थांच्या पोराला घेऊन सारखं वनवन भटकतय. आई दादाचे रोजचे हेलपाटे आणि आक्रोश बघून गोपा तात्या मला हुडकायला कोल्हापूरला आला होता. दिवसभर सगळ्या हायस्कूलातनं चौकशी करत हिंड हिंड हिंडला. मुक्काम करून कोल्हापुरात राहिला. रात्रीचं मी झोपण्यासारख्या सार्वजनिक जागा धुंडायल्या. अनपेक्षितपणे मी त्याला स्टेशन रोडवर 2 दिवसांनी सापडलो होतो. तो सगळं सांगताना माझ्या मनासमोर आई दादानं 2 दिवस केलेल्या वणवणीची आणि घरात रडणाऱ्या भावंडांची चित्र मनासमोरून सरकू लागली. मला घराकडे जावंसं वाटू लागलं. आईच्या कुशीत शिरून रडावंसं वाटू लागलं. भावंड माझ्यासाठी आठवणी काढून रडत होती. त्यांना जाऊन कवळ्यात घ्यावंसं वाटू लागलं. तरी मनात दादाचा भरोसा वाटत नव्हता. मी म्हणालो, आणि दादानं नाहीच शिकवील तर? तर मी शिकवतो तुला. कवाबी मॅट्रिक झाल्यावर नोकरी लागल्यावर माझा खर्च परत फेड म्हण. तात्या जिद्दीचा होता. कागलात परत आलो. दुपार झाली होती. तात्याच्या घरात चहा घेतला नि मग घरात गेलो. आईला भडभडून आलं नि ती हुं करत कुठं गेला होतास र माझ्या अंदा, म्हणून मोठ्यानं रडायला लागले. दादा भिंतीला टेकून मुकाट्यानं बसला होता. त्याच्या डोळ्यात पाणी भरलं. पोरग आलंय आता, आता काय म्हणून रडतीस? उपाशी 5-7 दिवसाचं त्याच्या पोटाला काहीतरी घाल आधी उठून, असं म्हणून दादा सांगू लागला. दादा आता नेमान वस्तीला जाऊ लागला. मी अभ्यासासाठी घरात वस्ती राहू लागलो. सकाळी दिस उगवायला मळ्यात जाऊन मोठा मारू लागलो. मोठ्या मारत मारत हातावर घेऊन भाकरी भाजी खाऊ लागलो. पण सकाळी भरलेली मोट 11 शिवाय बंद करत नव्हतो. 11 वाजता दादाच्या हातात कासरा देऊ लागलो. थोडा उशीर झाल्यासारखं वाटलं की दादा हळूच ये, जा जा शाळेला जा, उशीर होईल. मास्तर छडी मारतायत त्याच्या भंड छमधीशी. मी बघितले. एक दिवस तो गावात होता. निमी आणि शिवाच मळ्यात होतो. 11:30 सुमाराला गावातनं लगा लगा येऊन मला म्हणाला, मोड सोडायची नाही तुझ्या, तू वक्ताला शाळेत जायत जा. काहीतरी होऊ दे 2-3 महिने या पिकाचं. तुझी परीक्षा झाल्यावर मग हाईच मोठ निमळा, तो काळजीनं बोलला. मी पुन्हा दुखावेन, माझ्या पुन्हा त्याच्याविषयी गैरसमज होईल, म्हणून त्यानं माझा धसका घेतल्यागत वाटलं. त्यामुळे त्याचं हे बोलणं ऐकून क्षणभरानं गदगदून आलं. मला शाळा सोडायला लावण्याची त्याची जिद्द त्यानं सोडून दिली होती. मी मला कुठंतरी असं बोलून शरणागतासारखं गुंजारत होता, पण मला ते आवडेना. जन्मभर रगीने जगू बघणाऱ्या दादानं असं मऊ मांजरासारखं माझ्यासमोर वागायला नको असं वाटलं. फॉर्मची परीक्षा झाली नी माझी फॉर्म भरायची वेळ आली. एवढं करून माझ्यासाठी धडपडणाऱ्या आबाजीला फॉर्म मिळालाच नाही. फार वाईट वाटलं. मास्तरांच्या खाजगी शिकवण्या लावून अनेक विषयात तो नापास झाला. आनंदा, मला फॉर्म मिळाला नाही त्याचं वाईट वाटलं खरं, पण तुला मिळाला. तू आता मॅट्रिक झाल्या तर जमा आहेस. तू सुटणं गरजेचंबी होतं. माझं काय, यंदा नाही पुढच्या वर्षी मी मॅट्रिकला बसणार आहेच. मग आबाजीचंच पुस्तक घेऊन मी अभ्यास करू लागलो. मला फॉर्म मिळाल्यामुळे आनंद झाला, पण फॉर्म भरण्यासाठीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत माझ्याजवळ फॉर्मसाठी पैसे जमा झाले नाहीत. तटलेली फी आणि फॉर्मचे मिळून 35 रुपये भरायचे होते. म्हणजे मला कुठंतरी 1.5 महिना खाडा न करता रोजगाराला जावं लागणार होतं. वार्षिक परीक्षा झाल्याशिवाय ते शक्य नव्हतं. दादा म्हणाला, माझ्याजवळ 1 पैसा नाही. शेवटची पुनव माझ्या तोंडावर आली आहे. काय बी करून मला नरसोबाच्या वाडीला गेलंच पाहिजे. अरे मलाच पैसे नाही तर तुला कुठले देऊ? तुझं तू काय बी कर, जा तिकडे. दादाला देवाचीच काळजी. माझ्या जन्माच्या कल्याणापेक्षा त्याला वाडीला जाणं महत्वाचं वाटत होतं. त्याच्या मतानं ते बरोबर होतं. आतून मी देवावर चिडून गेलो, मात्र काहीही बोलू शकलो नाही. त्यानं अभ्यासाला दिलेली सवड मला उदंड वाटत होती. आईजवळ ही 1 पैसा नव्हता. घरातलं किडूक पिडूक सोनाराकडे कधीच गहाणवट पडलं होतं. मामानंही काखावर केल्या. हेडमास्तरांच्या जाऊन पाया पडतो व ते म्हणाले, हे बघ जकाते, त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. शाळेचे पैसे असते तर काहीतरी केलं असतं, पण हे पैसे SSC बोर्डाकडे पाठवायचे असतात. तेव्हा त्याची हमी कोण घेणार?
बोर्ड काहीही सांगून ऐकणार नाही आणि लेखा तुला अगोदरच कळायला पाहिजे होतं की फी आणि फॉर्मची काहीतरी तजवीज करून ठेवली पाहिजे. फार फार तर मी तुला एका दिवसाची सवलत देतो, तेवढ्यात काहीतरी करून पैसे जमव, जा. नेहमी तुझी रड असते. सवलत दिलेल्या दिवशी मी आणि आई खूप धडपड केली पण पैसे जमले नाहीत. एवढे पैसे एकदम आणायचं कुठून अंदा, आई म्हणाली. तिचंही खरं होतं. शेवटी धर्माधिकारी मास्तरांच्या घरी रात्रीचं मी आणि आई गेलो. ते वर्ग शिक्षक होते. संस्कृतमुळे त्यांचं माझ्यावर प्रेम होतं. त्यांना विचारून काहीतरी मार्ग काढता आला तर पाहावं असा विचार केला. मास्तरांच्या समोर सगळी परिस्थिती सगळ्या अडचणी मांडल्या. त्यांनी एक तडजोड सुचवली. ताराबाई, तुम्हाला तुमच्या मुलासाठी एक गोष्ट करता येईल का? तुम्ही सांगशीला तसं करता. आनंदाचे मी 35 रुपये भरतो, मात्र ते एका अटीवर. तुम्ही उद्यापासनं रोज 1 शेर दूध खालायचं. मला 6 आण्याप्रमाणे महिन्याचे 11-12 रुपये होतील. असं जवळजवळ तुम्हाला 3 महिने दूध घालावं लागेल. हा, दूध मात्र चांगलं मिळालं पाहिजे. मास्तर चालेल की? माझी म्हस जाफराबादी हाय, चिखलागत तिचं दूध येत आहे. उद्यापासनं मी पोरावाळ्यांची तोंड शिवून कायमबी करून तुम्हासनी 3 महिने शेर भर दूध घालते. पर एवढा पोराचा फारम भरा, नाहीतर रागाच्या भरात पुन्हा कुठेतरी तोंड घेऊन जायचं. 7-7.5 आणे शेराचं दूध आईनं 6 आणे शेराचं घालायचं लगेच कबूल केलं. धर्माधिकारी मास्तरांचे पुन्हा पुन्हा पाय धरले. परत येताना माझा आनंद त्या गल्लीत मावेना. मनावरचं डोंगरा एवढं ओझं मास्तरांनी करंगळी लावल्याबरोबर एकदम कमी झाल्यासारखं वाटत होतं. सुखानं अभ्यासाला लागलो. 8 दिवसातच दादा नरसोबाच्या वाडीला जाऊन आला. नुकत्याच काढलेल्या अर्धे पोत ओल्या शेंगा घेवाऱ्याला विकून त्यानं नरसोबाची वाडी केली होती. त्या मोबदल्यात आम्हाला पोरांना खोबऱ्याचा पै पै एवढा 1-1 तुकडा आणि 1-1 गोल पेढा मिळाला. देवानं दादाला दिलेला विकतचा प्रसाद. 2-2.5 महिने डोकं घास घास घासलं. गेल्या 5 वर्षांचे सगळे अवघड विषयांचे पेपर सोडवले. पाठांतरे केली तरी परीक्षेत गणिताचा पेपर अवघड गेलाच. एकही गणित ओळखीचं वाटेना. तरी झटापटी केल्या. उलट्या सुलट्या अनेक रीतींनी प्रत्येक गणित सोडवण्याचा प्रयत्न केला तरी निरनिराळी उत्तरं निरनिराळ्या रीतींच्या वेळी येऊ लागली. चूक कोणतं आणि बरोबर कोणतं हे काहीच कळेना. गणिताच्या मास्तरांनी एक कानमंत्र दिला होता, तेवढा तो मात्र पाळला. कोणत्याही प्रकारानं केलेलं गणित खोडायचं नाही, तसंच ठेवून द्यायचं अशी त्यांची सूचना होती. ती मी पाळली. सगळे पेपर्स बरे केले होते तरी गणिताच्या पेपरमुळे माझ्या पायाखालची फळी पडली होती आणि जीव टांगणीला लागला होता. नंतरच्या 3 महिन्यात मिळेल तिथे रोजगाराला गेलो आणि आईला 35-40 रुपये मिळवून दिले. पण त्याचा आनंद झाला नाही. रिझल्टचा दिवस जवळजवळ जवळ येईल तसं निराश अशक्त वाटत होतं. आतापर्यंत केलेल्या धडपडीवर पाणी पडणार म्हणून पार गांगरून गेलो होतो. एवढं झालं तरी पास झालो. सेकंड क्लासमध्ये पास झालेल्यांच्या यादीत माझा नंबर होता. तो पुन्हा पुन्हा वाचून माझा नंबर ताडून खात्री करून घेतली आणि मगच शाळेकडे गेलो. 2 दिवस अगोदर निकाल आणि गुणपत्रिका आणायला गेलेले मास्तर आदल्या दिवशी रात्रीच काकलात येऊन पोचले होते. हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यात 3रा नंबरने पास झालो होतो मी. 2 मार्कांनी पहिला वर्ग हुकला होता. गणितात पहिला वर्ग मिळाला होता. 3 विषयात डिस्टिंक्शन मिळालं होतं. मराठी भाषा अशुद्ध बोलणाऱ्या मला कुंभटाला संस्कृतमध्ये सर्वात जास्त मार्क होते. माझं मलाच खरं वाटते ना. फुल फ्रीशिप मिळालेले मास्तर मंडळीचे सगळे गणगोत खाली होते. 3 वर्षे खोल दडपलेले गेलेले मार्क्स SSC च्या गुणपत्रिकेत वरती आले होते. अन्यायाला वाचा फुटली होती. पण आता त्याचा मला फ्रीशिपसाठी काही उपयोग नव्हता. 3 वर्षे जे कष्ट आणि फरफट सोसावी लागली ती सोसलीच. पैसे भरून गुणपत्रिका घेतली आणि हायस्कूलच्या कंपाऊंड बाहेर पडलो. त्या कुंपणाबाहेर मी हायस्कूलकडे परतून पुन्हा पाहावंसही वाटते ना. बेडकासारखा उंच उंच उड्या मारत घराच्या दिशेने धावलो. मनातून अनेक बेडूक विहिरीबाहेर पडले होते. त्यांचा आकाश आता मोठंच झालं होतं. कष्ट उपासमार ओढाताण अज्ञान जुलूम यांच्या बाहेर त्यांची उडी गेली होती. नवी विस्तीर्ण क्षितिज दिसू लागली होती. काय करायचं नक्की नव्हतं पण मोकळ्या हवेत आल्यासारखं वाटत होत. धन्यवाद. नाइस स्टोरी. अब रीना जी, रीना पर्त जी कहाँ हैं आप? रीना जी
माइक अभी को जय हिंद। जय हिंद। तो अब रीना जी सुना रही हैं आपको नीमा। जी वैसे तो ये कहानी यशपाल की कहानी या मालती जोशी की कहानी के बाद बिल्कुल सुनाने का कोई तुक मुझे नजर नहीं आ रहा है सर, क्योंकि ये मेरी लिखी कहानी है और कहानी नहीं, इसको मैं संस्मरण भी कह सकती हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं आप अपने आप को कम क्यों आंक रही हैं? हाँ रीना जी अच्छे से, सबसे पहले आपने ही बोला था कहानी सुनाने के लिए इस बार। बिल्कुल सुनाइए, उत्साह से सुनाइए, हम लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद माधवी जी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके ऊपर बिल्कुल मुझे खरी खरी बात बताएं, कहाँ पर क्या कमी है और कहाँ पर किस चीज की जरूरत है। तो आप सच्ची लेखिका है आज तो, खरी खरी सुनने के लिए। मैं तो वैसे भी बहुत बेरहम आदमी हूँ, सुना देता हूँ। सर बेरहम नहीं, सर आप सच्चे क्रिटिक हैं, तो हम लोग सीखते हैं सर, उसी से तो हम सीखते हैं। आज तो मेरा वीडियो ऑडियो सब बहुत खराब चल रहा है। चलिए रीना जी, तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है नीमा। उस छोटे से पहाड़ी कस्बे में ब्यूरोक्रेसी की खास बू फैली थी, अफसरों और चौथी श्रेणी कर्मचारियों के बीच गहरी खाई थी। अंग्रेजों के बसाए उस कस्बे में अफसरों के दो वर्ग थे, एक बाहर से आए यानी मैदानी क्षेत्रों से आए देसी अफसर, और दूसरे सुविधा विहीन पर्वतीय क्षेत्र के अपनी मेहनत के बलबूते पर अफसर बने पहाड़ी युवक। क्लर्क, लिपिक, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जैसे वर्ग इन अफसरों की जी हजूरी और अपने से निचले वर्ग या अपने ही वर्ग को भोले भाले साथियों पर रौब गांठने में माहिर थे। इन चौथी श्रेणी कर्मचारियों का अपना एक विशेष समाज था, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे और समय के मुताबिक न्यायाधीश बन सकने की योग्यता रखते, जिनमें बकौल प्रेमचंद समाज के ठेकेदार की परंपरा कायम। ये उस प्रजाति के हिंसक जीव थे जो हरदम फतवा जारी करने के लिए अपने घर के बरामदे में बैठे गिद्ध दृष्टि से देखते रहते कि कल की खबर क्या होनी चाहिए। इसी कस्बे के हंसाधर पांडे की इकलौती दुहिता भी रहती थी। इसी कस्बे में हंसाधर पांडे की इकलौती दुहिता भी रहती, आत्माभिमान से भरपूर, छुटपन की मेरी दिन भर की साथी, गुड्डे गुड़ियाओं के ब्याह से लेकर जंगल जंगल भटकते पेड़ों की जड़ों पर बैठकर सामने एक ऊंची जगह पर नाटकीय अंदाज में खड़ी होकर हंसते हंसते लोटपोट करने तो कभी रास्ते में पड़ी आड़ी तिरछी लकड़ी के काल्पनिक रूप पर चर्चा करने तक की सहभागी नेमा। दूसरों से मेरे लिए लड़ने वाली घनघोर लड़ाकन, वो सुनहरे भूरे बालों, थोड़ी में गहरे भंवर, बीच में जुड़ी भवें, बचपन से अच्छे गठन वाली लड़की मुझे जब तक आश्चर्यचकित कर देती। जब हम बचपन में खिलौनों से खेला करती है तो हम सबके सबसे अच्छे नए खिलौनों पर आधिपत्य जमाना, पिता की अवसरी का रौब दिखाने वालों की हेकड़ी को मिनटों में धराशायी कर देने वाली नीमा, शिकायत करने दादाजी के पास जाने पर हमारे पीछे छुप कर आंखें नीच कर खीखी की आवाज के साथ हंसने वाली भोली नीमा, डांट खाकर फिर बेशर्मी से दबंगई की पराकाष्ठा निमा, देह के उभारों के साथ विचारों की उन्मुक्तता, ही ही करके हंसना, तिरछी निगाहों से युवा होते लड़कों की ओर मुस्कान उछालना कस्बे में चर्चा का विषय बन लगा, और सीधे साधे उसके पिता अफसरों के में काम मारे वाले कम आमदनी का रोना रोती पत्नी, दो बेटों की वाहियाती और अल्लड़ छिछोरी पुत्री की कहानी सुनते शायद एक प्रहर ही की नींद भी नहीं ले पाते होंगे। चौपल्ली में एकमात्र इंदरदा की दुकान में 1 से 1.5 बजे की भी रोडवेज की बस में हल्द्वानी से आने वाली ताजी खबरों के साथ ही निमा की नमक मिर्च लगी खबरें हेडलाइन पहले ही बनने लगी। दिन बीतते न बीतते भूरे सुनहरे बालों और भूरी आंखों वाली निमा कस्बे के बाजारों किस्म के लड़कों की आंखों की किरकिरी तब बन गई
जब कस्बे के हाई स्कूल मास्टर नियुक्त हुए मोतीराम के एकमात्र प्रतिभावान बेटे हरीश के साथ स्कूल से आते दिखाई दिए। हमेशा की तरह धर्म और जाति के आडंबरों में लिप्त उच्च ब्राह्मण पुत्रों के लिए मोतीराम के घर का पानी छूना भी वर्जित हुआ, और यहाँ तो उनकी कल्पना में उच्च कोटि ब्राह्मण की इकलौती पुत्री निम्न जातीय बेटे के साथ नैन मटकता कर रही थी, उन्हें कैसे बर्दाश्त हो पाता भला। जाहिर है एक दिन नीमा के घर पहुंचने से पहले ही उसके घर में पहुंच चुकी थी उसके घर में खबर पहुंच चुकी थी और उसकी माँ आज सरेआम बीज बाजार में मुगरा लेकर खड़ी थी। चतुर नीमा भनक लगते ही रोड इंस्पेक्टरों की खबर को धता बताकर पिछले पहाड़ से घर पहुंच गई। उसकी इन्हीं चतुराइयों की कायल थी। खबर मोतीराम मासब तक धमकी के रूप में पहुंच गई। अपने लड़के द्वारा ऊंची धोती बामण की लड़की फंसाने के बेबुनियाद आरोप को सुनकर मासब स्तब्ध रह गए। वे जानते थे अगर बात ने तूल ले लिया तो वे अपने समाज में तो क्या कस्बे में भी नहीं रह पाएंगे। नीमा को सभी गुरुजनों ने अलग अलग बुलाकर समझाया। मास्टरनियों ने अपने तरीके से नीमा को समझाया। हेडमास्टर साहब ने अपने कमरे में बुलाया। मोतीराम मास्ताब हुए पर हुए तो चेलियों की इज्जत, चेलियों मतलब लड़की, पहाड़ी में चेलियों कहते हैं, चेलियों की इज्जत ही परिवार की इज्जत होती है, बताते हुए मास्ताब ने उसको जकड़ने की कोशिश की तो नीमा ने चिल्लाकर सिर स्कूल सिर पर उठा लिया। वो तो छुट्टी हो गई और न खूब थूथू होती, पंत जी की ऊंची धोती सरक ही गई होती। कभी कभी ख्याल आता है कि नीमा स्टीरियोटाइप लड़की होती, अगर जाति बिरादरी मोहल्ले कस्बे से डरती तो शायद मेरी स्मृति में अंकित नहीं होती। नीमा सभी प्रतिबंधों को तोड़ शाम को रस्सी कूदने आ जाती और 12-13 साल की लड़कियों की आम बातों की तरह हमारी गुफ्तगू में कस्बे के लड़के अहम विषय बनने लगे। हमारी बातों में युवा होते लड़कों की चर्चा तो होती ही, नए नए आए अफसर अंशुमन राय की भी चर्चा जरूर होती। नीमा मनोयोग से अंशुमन राय और हरीश का जिक्र इस तरह किया करती कि समझना मुश्किल हो जाता कि नीमा के सपनों का असली राजकुमार कौन। अंशुमन राय उम्र में हमारे पिताजी की उम्र के ना भी होंगे तो हमारी उम्र की तिगुनी उम्र के तो होंगे। ऊंची कद काठी, चौड़े माथे पर गिरी गिरी लटे, आकर्षक आंखें और सबसे बड़ी बात बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, युवाओं के साथ युवा, बच्चों के साथ बच्चे, यहाँ तक कि महिलाओं के बीच भी अपनी जगह बना चुके थे। व्यंजनों की विधियों से लेकर स्वेटर के डिजाइन, पत्नियों की अवहेलना पर पतियों की मीठी झिड़कियां, क्या गुण नहीं थे उनमें। हमारे स्टैंपों के बीच एक चक्कर लगाकर नीमा को पराजित कर देने वाले, नीमा पर विशेष अधिकार जताकर उसे हम सबसे विशिष्ट बना देने वाले अंशुमन राय का हमारी उम्र के अर्ध युवाओं पर भी प्रभाव कम न था। तो नीमा की फेहरिस्त में उनके कसीदे पढ़ना भी जरूरी काम था। अंशुमन राय की तारीफ और हरीश के साथ घूमने का और माँ को चिमटे से कुटाई करना दोनों सार्वभौमिक सत्य थे। एक लड़की के साथ स्कूल से घर आना गलत क्यों है? अंशुमन राय के साथ हंसकर बातें क्यों नहीं करनी? यह बात नीमा के पल्ले नहीं पड़ती और लोगों की बातों की हवाबाजी उसकी जिद बनती जा रही। अब बीच में वर्ष दर वर्ष बहुत सी घटनाएं हैं। उसके बाद मैं छुट्टियों में घर आई थी और पेट दर्द के कारण कस्बे के छोटे से अस्पताल में पिताजी के साथ डॉक्टर के कमरे में बैठी थी कि नर्स आई और गंभीर मुख मुद्रा में डॉक्टर के पास जाकर कुछ बताने लगी, शायद किसी रोगी का जिक्र कर रही है। तभी हंसा दज्जी सिर झुकाए नीमा के साथ कमरे में प्रविष्ट हुए, आत्मग्लानी और लज्जा से सिर नहीं उठा पा रहे। नीमा की देह में कुछ परिवर्तन दिख रहे थे, उसके पेट का उभार अपेक्षाकृत अधिक दिख रहा था। डॉक्टर ने दहाड़ कर कहा, कल अंशुमन राय साहब आए थे, बता रहे थे हरीश का है। फिर सर झुका दिया, देख सच सच बताएगी तो तेरी शादी कर देंगे हरीश से। डॉक्टर को अपने पढ़े लिखे होने का गुमान था कि वो एक अनपढ़ लड़की को डरा धमका कर बात निकलवा लेंगे। नीमा ने उन्हें घूरा और दीक्षता से मुस्कुराई, मानो कह रही हो कि अपनी डिग्री अपने पास रखो डॉक्टर। डॉक्टर थोड़े ढीले पड़ गए, शायद दया आई या सच जानते थे। डॉक्टर पिता की ओर मुखातिब होकर बोले, कुछ बताया इसने? पिता का चेहरा लाल, आंखों से टपकती बूंद बूंद
बेटी द्वारा दी गई पीड़ा की कहानी बयां कर रही थी या कि निर्धन और साधनहीन भारतीय पिता की मजबूरी की कहानी। डॉक्टर नीमा की को जांच के लिए भीतर ले गए। पर्दे के पीछे भी बार बार एक ही वाक्य दोहराया जा रहा था और नीमा की चुप्पी के कारण वे झल्लाने भी लगे थे। बाहर में पिताजी हंसादत्त और नर्स बैठे थे, मानो एक दूसरे से अनजान। कितना मुझे याद है तीनों वयस्क भावहीन चेहरे, इनके भीतर कई शमशानी प्रश्नों के जाल बन रहे थे। आज सोचती हूँ मैंने उठकर नीमा को गले क्यों नहीं लगाया। मैं समाज के सामने कितनी डरपोक निकली और नीमा कितनी बहादुर अकेले सबसे लड़ रही थी। सब लौट आए अपने अपने घर खाली हाथ नहीं, बहुत से प्रश्नों को सांस लेकर। उसके बाद हम कस्बे से चले गए। आज और समय कुछ समय काफी समय के बाद, बहुत सालों के बाद, अभी का समय है। आज इतने साल बाद वह भी इस स्थिति में अचानक नीमा और हरीश से मिलना दैवी संयोग था या किसी पुराने कर्ज को चुकता करने की कवायद, मैं नहीं जानती। नीमा जैसे ही जागी हम वार्ड के भीतर दाखिल। नीमा ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया, मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बमुश्किल आंसू रोकने का प्रयास करती हंसने का नाटक कर रही थी। नीमा भी जानती थी, नीमा कुछ कहना चाहती थी पर कमजोरी के मारे कह नहीं पा रही थी। मैं उसे सहलाती रही धीरे धीरे, मानो अपनी उस ग्लानि का प्रायश्चित कर रही हूँ जो अनजाने में बहुत पहले अस्पताल में की थी। हम दोनों के हाथों के स्नेह की गर्माहट नीमा को स्वस्थ कर देगी। नीमा का खाना आ गया। मूंग की खिचड़ी देखकर मन में कसक हुई। जानती थी नीमा को खिचड़ी पसंद नहीं थी। एक बार खाने के समय नीमा ने माँ की दी हुई खिचड़ी नहीं खाई। माँ के बहुत जिद करने पर बोली, खिचड़ी गरीब लोग खाते हैं। तब माँ ने पूछा था, तो तुम्हारे घर में खिचड़ी नहीं बनती क्या? बनती है, हम गरीब है ना। पर तुम तो गरीब नहीं, मुझे कुछ और खिलाओ। माँ उसके भोलेपन पर हंस दी थी। बताओ कैसे गरीब बाप बेटी को शाही खाना खिलाएगा। नियति वही नीमा खिचड़ी खा रही, मैं अब और खड़ी नहीं रह पाऊंगी। फिर एक घटनाक्रम है, बहुत लंबा घटनाक्रम है, उसको मैंने छोटा कर दिया है। उसे पोस्टमार्टम के लिए लिए जा रहे थे। सामने लाल आंखें किए वो खड़ा था। विपिन ने पूछा, किसी को खबर करनी है? उसने नहीं में से हिलाया। मैं उसके पास जाकर खड़ी रही निश्चल। कुछ बचा ही नहीं था कहने सुनने को। सारे अनुत्तरित प्रश्न नीमा के साथ चले गए। अंतिम विदाई से पहले मैंने नीमा को कसकर गले लगा लिया। मैं मन ही मन माफी मांगती रही। नीमा सुकून से सो रही थी, मानो निर्दय संसार से मुक्ति के सुख को भोग रही। क्रियाकर्म करते शाम हो गई। कल ऐसे ही एक शाम कितनी अपेक्षाओं से भरी शाम थी और आज की शाम कितनी उदास शाम। अब हम तीन थे, विपिन, मैं और वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे सांत्वना दूं। मात्र चार दिन की तो पहचान थी और जो पहचान का सूत्र था वो तो टूट गया था। मैंने गौर से उसकी ओर देखा। ना ना, मात्र चार दिन की पहचान कहाँ थी, मैं तो उसे बचपन से जानती थी। नीमा की सपनीली आंखों वाला हरीश सामने साकार होने लगा। मुझे याद आया जब जब नीमा हरीश का जिक्र करती उसकी आंखों में लाल लोरे उभर आते, गालों में लुनाई, ठोड़ी का गड्ढा गहरा जाता, होंट ललचते। मैंने आगे बढ़कर धीरे से हरीश का हाथ सांत्वना से दबाया। हरीश और मैं फफक कर रो उठे। जिसका नाम लेने से मैं चार दिन से कतरा रही थी वो अजनबी आज मुझे बहुत बेहद करीब लगा। आसमान आज नहीं थमेगा। काले घनघोर बादलों के बीच रह रहकर बिजली चमक रही। कस्बे से बाहर की ओर कच्ची सड़क के नीचे जाकर आखिरी मकान मोतीराम मास्टर का था। अचानक ऐसी बयावर रात को दरवाजे की कुंडी को किसी ने बजाया तो मास्टर ने लालटेन के मध्यम हो आए उजाले में देखा, सामने हंसादत्त खड़े थे। जब तक मास्टर कुछ समझते हंसादत्त ने अपनी टोपी मास्टर के पैरों में रख दी। अरे पंडित जी, यो के करनो छा, मुके पाप लगो। एक ठुल दोती बामर शिलकारक पुछूल के मास्टर माजरा समझ चुके थे। बच्चों को भीतर भेज मासाब ने हंसादत्त को आदर के साथ पटकाट में बिठाया। और कोई दिन होता तो मासाब इतना साहस न करते, पर आज पत्नी को चाय बनाकर लाने का आदेश दिया। अगली सुबह खबर आई, नीमा और हरीश कस्बा छोड़कर भाग चुके थे। आरोप था कि नीमा ही हरीश को भगा कर ले गई होगी। मासाब पर गाज गिरी और उनका तबादला एक ऐसे गाँव में हो गया जहाँ न बिजली थी, न पानी, न स्कूल था। नीमा की माँ नीमा के जाने का आघात सह न सकी और चल बसी।
पत्नी के चले जाने के बाद हंसादत्त कंकाल बने विक्षिप्त घूमते रहते। जाहिल लोग नीमा की याद की हथौड़ी उनके देह में ठोका करते। हरीश विरक्त भाव से सामने की दीवार की ओर देखने लगा। बाहर राहत गहरा रही। मेरे शहर में होने का पता कैसे चला? मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला, सुषमा आंटी ने बताया, मुंबई में हो तो मिल लेना। नीमा तो कब से पीछे पड़ी थी, पर मैं ही ना मिलने का बहाना बना रहा था। मैं जानता था पुराने लोगों से मिलने पर नीमा की पुरानी जिंदगी फिर सामने आएगी। नीमा फिर उस पीड़ा को सहेगी जिसे बमुश्किल से अपने दिल से बाहर निकाल पाई थी। मैंने कुछ और जानने की मंशा से हरीश की ओर देखा। वो समझ गया, नहीं, नीमा ने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया। डॉक्टर की सारी हिदायतों को नजरअंदाज कर वो बच्चे के जन्म की तैयारी करने लगी, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर। अपने जन्म से एक महीने पहले ही बच्चा चला गया। उस अबॉर्शन के बाद नीमा बच्चे के लिए सहज नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है, किसी लड़की के जीवन में बलात्कार एक सामान्य सी घटना होती है क्या? हरीश ने मेरे चेहरे पर नजर गड़ाकर प्रश्न किया। मैं अस्थिर हो गई। बलात्कार? तो क्या वो बच्चा तुम्हारा नहीं? मैंने विचलित होकर पूछा। मुझे लगा मैं चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। विपिन चाय बनाकर लाए। मैं हरीश की मन स्थिति समझ रही थी, इसलिए उमड़ते अनगिनत प्रश्नों को अपने भीतर ही जज्ब किए रही। मैं कल अल सुबह चला जाऊंगा, हरीश बोला। इतनी जल्दी क्या है, 10वां यहीं करके जाना। नहीं, वैसे मैं इन कर्मकांडों में विश्वास नहीं करता, पर फिर भी। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हम सबकी आंखें रात की कहानी कह रही थी। जब तक मैं नहा धोकर सुबह हरीश के कमरे में पहुंची तो देखा वो जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने सामान उठाकर गाड़ी में रखा, पीछे मुड़कर मुझे देखा और बोला, पहाड़ों में कई हर साल की नीमाएं जन्म लेती हैं और कई अंशुमन राय होते हैं। वो बच्चा मेरा नहीं था। और धूल उड़ाती कार उसे लेकर चली गई। बचा रहा गुबार अनगिनत प्रश्नों का, नीमा की मृत्यु का, नीमा और हरीश की जिंदगी का, और अब पिशाच से लग रहे अंशुमन राय। धन्यवाद। और लोग अपनी अपनी राय दे लें तो मैं बताता हूँ। हाँ दीना जी जी, अच्छी कहानी लिखी है आप तो, बिल्कुल पहाड़ों पे ले गई, शिवानी जी का साथ लगा जैसे। है? शिवानी की याद आ गई। क्योंकि कहानी को मैंने बहुत काट छांट दिया था, इसलिए शायद फ्लो उतना प्रवाह नहीं रहा मुझे, मैंने ऐसा लेकिन जो आपके शब्दों पर जो आपने बोला सब बताया, बहुत अच्छा है आपने लिखा है, शब्दों का जाल जिसे कहते हैं। जाल भी नहीं कहेंगे शब्दों को, अब मैं सही शब्द नहीं बता पा रही हूँ अभी। चलिए, लेकिन बहुत अच्छी कहानी थी रीना जी, आप अच्छा लिखी हैं, अपने आपको कम मत आकर कीजिए। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आज शाम की आखिरी कहानी शीतमा बोस सुनाएंगी आपको। शीतमा बोस आपको सुना रही है समरेश बसु की कहानी मस्करी। नाम सही है बेटा, मस्करी? मस्करी जी सर। तो मस्करी की कहानी ये सुनाने से पहले मैं एक लाइन बता दूं, बंगालियों में जब शादी होती है तो वो जिस दिन शाम को या रात को होती है उस रात को विदाई नहीं की जाती, विदाई अगले दिन करी जाती है। और वो बीच वाली जो रात होती है उस दिन दूल्हा दुल्हन को लड़की वालों के घर पे रहना पड़ता है, और रात के कुछ घंटे आप जागते हैं और वो बैचलर पार्टी जैसा होता है जिसमें बुजुर्ग नहीं रहते लेकिन जो आपके दोस्त यार हैं या सहेलियां हैं या जो बहनें हैं भाई हैं जो हम उम्र हैं उनमें हंसी मजाक होता है, गाने गाए जाते हैं, शर्तें लगाई जाती है। तो ये उसी तरह की एक शर्त की कहानी है मस्करी, समरेश बसु। विवाह का मुहूर्त शाम को था, फाल्गुन का महीना, महीने का अंत। शहनाई वाला ऊंघता हुआ वही जाने पहचाने गीत बजाता जा रहा था, शहनाई की रंगीन धुन। इसी बीच हवा में चैत्र बाउल की उदास धुन फैल चुकी थी।
जैसे रिक्त महानंद गृहत्यागी सन्यासी को घर के किसी कोने से शुक शैया पुकार रही हो। शादी उपनगर के एक पल्ली जैसे इलाके में थी। शादी के घर की रोशनी और लोगों की भीड़ के बीच उदास हवा मन ही मन गाती बह रही थी। आंसुओं के बीच मुस्काती वो धुन मरमराती थी बकुल के झोंकों में, चंपा के झाड़ों में। सब बहुत खुश थे। रस्में शाम को ही पूरी हो गई थी। खाना पीना भी रात के 9 बजे तक लगभग समाप्त हो चुका था। दूल्हा कलकत्ते का है, बाराती भी कलकत्ता वाले हैं। 20 मील दूर इस मुफस्सल के साथ व्यवधान बहुत ज्यादा था। सब खुशी खुशी वापसी की ट्रेन पकड़ चले। दूल्हे ने खबर भेजी कि केवल उसका दोस्त दिनेश, जो कि बारात में आया था, वो आज रुक जाए। दूल्हे को वासर घर में ले आया गया, जो वो रस्म है उसके लिए। दूल्हा रूपवान युवक था और उसका नाम था शिवेन। बड़ा ही सहज और आत्मविश्वासी था। अपनी निसंकोच बातों और हंसी से उसने अकेले ही समा बांध दिया था। उसकी हाजिर जवाबी और लच्छेदार बातों के सभी कायल थे। कलकत्ते में प्लाईवुड के कारोबार में उसने खूब पैसे बनाए हैं। वो बाकायदा पैसे वाला दामाद था, इसलिए उसकी चाल में एक मात दे देने वाली वाला अति आत्मविश्वास था। दुल्हन बगल में बैठी थी, गठबंधन में बंधी हुई। लड़की भी कुछ चुनिंदा किस्म की थी, यानी सुंदर थी। हाथ पांव के विस्तार में, नैन नक्श के तीखेपन में, सुविन्यस्त विशाल जूड़े में वो सुंदर थी। उस पर भार था तो केवल अलंकार, श्रृंगार प्रसाधन और सिल्क साड़ी का। नाम था रानी। कानखी की झलकियों और हंसी दबाते होठों से पता चलता था कि वो काफी खुश थी। महफिल का रंग शुरू से ही जम गया था। शुरुआत में ही वाणी एक घूंघट ओढ़ी बुढ़िया को ले आई। वाणी यानी रानी, जो दुल्हन है उसकी बड़ी दीदी, बोली, भाई शिवेन, ये तुम्हारी एक और नानी सास है, इन्हें प्रणाम करो। शिवेन ने क्षण भर में नानी सास को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, माफ कीजिएगा दीदी, चेहरा देखे बगैर मैं प्रणाम नहीं कर सकता। क्यों? शिवेन ने आंखें मटकाते हुए कहा, ये हैं तो काफी उम्रदार, पर इनके पांव तो बच्चों जैसे हैं, जैसे कि अलता लगी हुई हो। इतना कहते ही हंसी की फुलझड़ी छूट पड़ी। नानी सास ने उछल कर घूंघट उतार दिया। पता चला कि वो रानी की एक 14 साल की बहन है। भाई वाह, क्या नजर है जमाई बाबू की। असली नानी सास बोली, अरे बेवकूफ दामाद, ऐसे ही पाओं को तो झट से छू लेना चाहिए। अरे अरे, क्या बेहयाई है। बेहयाई थी या नहीं क्या पता, पर पूरी महफिल में आंखों के इशारे और हंसी के ठहाके एक दूसरे पर ढुलक कर गिरने लगे। मजाक और मस्खरी वही एक विचित्र संकेत ताक झांक करता था। इसी बीच जरा गौर करने पर नजर आता था किसी किसी की आंखों वाह हुआ विद्वेष या विषाद। वे बहुत ही नगण्य थे। असल में उनकी रात यौवन के जलसे में आंखों में ही बीत रही थी। किसी ने कहा, ए रानी, जरा आंखें उठाकर तो देख। शिवेन ने होंठ दबाए कहा, इसकी तरफ। फिर से हंसी, कितना मुंहपट है। अर्थात दामाद बिल्कुल एक्सपर्ट है। फिर गाने की बारी आई, जमाई बाबू को गाना पड़ेगा। उसने सिर हिलाकर साफ कर दिया। दरअसल उसका हाथ इलेक्ट्रिक गिटार पर ज्यादा वाणी ने कहा, ये कहकर वो एक एक करके बुलाने लगी और वे एक एक करके बैठती गई हारमोनियम के सामने। जब सभी गाते गाते थक चुकी, तब 100 सुनार की और 1 लुहार की वाले अंदाज में शिवेन ने हारमोनियम पकड़ा। उसका गाना सुनकर समझ में आ गया कि वो बिल अनाड़ी तो नहीं था। गजल उसने सुर में, सभी एक स्वर में बोल उठी, उफ, कितना झूठा आदमी है। जमाई बाबू को गाना आने के बावजूद उसने झूठ बोला था। एकाएं मायूस तो नहीं हुई, पर हार का पलड़ा उन्हीं की तरफ भारी रहा। तिरछी मुस्कान के साथ अब एक्सपर्ट शिवेन ने कहा, मेरा तो बहुत, अब आप तो कहते हुए उसने अपनी बहुत बड़ा चमड़े का पर्स निकाला। 10 रुपए का एक नया सिगरेट लेकर कहा, अब उसे सिगरेट सुलगाकर जो 3 कश लेकर दिखाएगा, ये 10 रुपए उसके, तो कौन करेगा। एकाएक नारी वाहिनी में हंसी
चालाकी तो वाणी ने मुंह बनाकर कहा, आपको लगता है कि हमसे ना हो पाएगा? वैसे अगर सिगरेट ही पीनी है तो 10 रुपए क्यों, उसको डबल किया जाए। ऊंचाई वाणी अब खिलखिलाकर हंस उठी। हंसी हंसी में भी अगर किसी अच्छे घर की लड़की ने एक बार सिगरेट पी ली तो वो भ्रष्ट हो जाती है, वाणी यही जानती है। वैसे भी होठों में सिगरेट का मतलब मुंह में धुआं। बोली, अरे थू थू। कईयों ने हंसते हुए कहा कि मैं कर लूंगी। रवैया यूं था कि उनमें से शायद कुछ कर भी लेती अगर शर्त अकेले में दो लोगों के बीच लगाएंगे। बस कुछ के हास्य दीप्त नेत्रों की छाया में 10 रुपए दो नोट जाग रहे थे और नोट पर छपे शेर के हिंसक दांत। वे और भी कड़वी हंसी से उन्हें चिढ़ाने लगे। विजय के उल्लास तीखे मजाक के रूप में शिवेन के होठों पर जलने लगे। उधर शहनाई वाला पागलों की तरह नैनों के बाण से बींध लिए प्राण बजा रहा था। दक्षिण की खिड़की पर बहते बकुल के हलकोरों के साथ गहरी सांसें बह चली थी। शिवेन ने कहा, किसी से ना हो पाया, देख लीजिए। उसने बाईं तरफ दुल्हन रानी की ओर इशारा किया। एक ने पूछा, क्यों भाई रानी? रानी शर्म के मारे अपनी सिल्क साड़ी के अचानक किसी ने कहा, मैं कर सकती हूं। सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा। रानी की फुफेरी बहन थी, बल्कि उस पर उसके रूखे बाल उड़ रहे थे। दिखने में ठीक था, उम्र होगी 20 या 22। आई है कलकत्ते से, पढ़ी लिखी लड़की है, अकेली आई है। सबने देखा कि माया होंठ दबाए मुस्कुरा रही थी, जैसे दियों की ही तरह छलावे की हंसी हो। सबने उसे हंसी में उड़ा दिया। शिवेन ने कहा, सच? माया बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको लगता है कि हम सब हार जाएंगे? दीजिए सिगरेट और माचिस। सभी खिलखिलाकर हंस उठी। सबसे ऊंची आवाज वाणी की थी, पर सबकी हंसी भी कुछ लगाम लगी सी थी। सबकी भौहें कुछ चौंधिया रही थी। अगले ही क्षण माचिस जलने की आवाज हुई। दिखाई दिया कि माया के होठों के बीच सिगरेट दबी है। उसे सुलगाकर दो उंगलियों के बीच पकड़े उसने गिन गिन कर 3 कश लिए, बड़ी एक्सपर्ट हो। फिर हंसी। उम्मीद थी कि सभी हंस उठेंगे, लेकिन माया के होठों के बीच का धुआं जैसे हर किसी के चेहरे पर बैठ गया। न जाने क्या बात हो गई, हंसी रुक गई। सबने आंखों ही आंखों में चुपचाप एक दूसरे से बातें कर ली। दबा सा विद्वेष और घृणा आंखों और होठों के किनारे नजर आने लगे। महफिल एसिड की गंध पा चुके सांप की तरह स्तब्ध संदिग्ध हो उठी। शिवेन के डगलसी मूछ के किनारे दिखाई दी मछली की सुगंध पाने वाले अभिज्ञ चतुर बिल्ली की हंसी। माया पर टिकी हुई उसकी एक आंख जरा छोटी हो गई, जैसे कि कह रहा हो, अच्छा पहचान गया। बोल उठा, गुड, इसे कह, मुझे बहुत पसंद है। कहते हुए उसने दोनों नोट माया के हाथ में दे दिए। देते वक्त उसकी उंगली ने माया के हाथ को जरा सा छू दिया। माया मन ही मन कुछ चौंकी, घबराई, पर ऊपर से मंद मंद मुस्काती रही। बाकी सब ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी भी बेजा थी, कहीं कोई दरार पड़ चुकी थी। पहले तो वाणी बिल्कुल निर्वाक हो गई, फिर अचानक बोली, मैं जरा आती हूँ भाई, ये कहकर वो निकल गई। फिर भरी महफिल से सभी एक एक करके विदा लेने लगे। सभी की नजरें माया के चेहरे के कांथा पर सुइयां आती गई। माया भी उठी, वैसे ही शिवेन की तरफ देखकर मुस्कुराई। इसी बीच आंखें थैलियों में बैठने लगी थी। कुछ त्रास था, थोड़ी विषन्नता, मूछ मोड़े कुछ उनींदी आंखों से एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ शिवेन ने सिर हिलाया। पूछा, कलकत्ते में कहाँ घर है? माया ने कहा, 3/12 भवानी पाठक लेन में। फिर ये अगले दिन की बात है। सुबह उठने के बाद माया बड़ी बहू के कमरे में चाय पी रही थी।
रानी की छोटी बहन आई और मुंह बनाकर बोली, माया दी, माँ तुम्हें खाने वाले कमरे में बुला रही है। पल भर के लिए माया की आंखों पर कोई छाया खेल गई, फिर वो होंठ दबाए हंसी, बिखरा हुआ बासी जूड़ा जरा संवारने की कोशिश की, पल्लू सहेज लिया, सीने को हाथ से दबाया। पहुंचकर उसने देखा कि मामला छोटा मोटा नहीं, जैसे सभा बैठी सुखदा थी यानी दुल्हन की माँ, उनके पति प्रकाश रंजन भी बैठे थे। जो भी हो, भांजी तो उन्हीं की ठहरी, घर की बहू बेटियां थी और भी दो चार रिश्तेदार थे। सबसे बढ़कर थी वाणी खुद, यहां तक कि रानी भी कंधे पर गठबंधन लिए बैठी थी। शिवेन दूसरे कमरे में गया था अपने दोस्त दिनेश के पास। सबके चेहरे गंभीर थे। नानी ने फुसफुसाकर कहा, एक तो कलकत्ते में रहना, ऊपर से गरीबी, लड़की एकदम बर्बाद हो चुकी है। सुखदा ने माया से कहा, क्या बहन जी ने तुझे ये सब भी सिखाया है? माया जैसे कुछ समझी नहीं, बड़ी बड़ी आंखें उठाकर बोली, क्या? वाणी झट से जल उठी, ज्यादा बनो मत, ये सिगरेट बीड़ी पीना कब चल रहा है? माया का जर्द चेहरा कुछ काला पड़ गया, बोली, मैं तो नहीं पीती। वाणी और जल उठी, कड़वे स्वर में बोली, तो क्या सिर्फ पैसे मिलने पर पीती है? कमरे भर की आंखों ने जैसे उससे यही प्रश्न किया। माया ने बड़े ही आश्चर्य में कहा, भला सिगरेट पीने के लिए भी कोई पैसे देता है क्या? कोई बोल उठा, कितनी शैतान है। माया ने फिर कहा, लेकिन इस घर में वो सब नहीं चलेगा, जा शिवेन को पैसे लौटा करा। माया को लगा जैसे उसके सीने में वे शेर उसे नोचने लगे हों। बोली, पैसे तो मुझे जमाई बाबू ने दिए हैं। वाणी और जोर से हिल उठी, अब इतना भी जरूरत नहीं, पैसे लौटाने पड़ेंगे। निर्वाक रहकर क्रुद्ध आंखों से कमरे भरने वाणी के साथ हामी भरी। रानी ने भी मन ही मन कहा, शैतान कही। माया ने शांत सुस्त परंतु स्पष्ट आवाज में कहा, क्यों पैसे लौटाऊं वाणी दी? क्रोध और घृणा से पूरा कमतप्त था। वाणी जैसे उसे मारने आई, वो सब नहीं जानती, वो सब करके पैसे लेने के ढेरों जगह है, नहीं चलेगा। माया ने और भी स्पष्ट स्वर में, लौटाना हो तो तुम लोग लौटा आओ, मैं खुद नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो पल भर के लिए खड़ी रही। पूरा कमरा असहनीय क्रोध और घृणा से निस्तब्ध था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि माया ने किसी भी हाल में पैर नहीं निकाले, बिखरा हुआ जूड़ा दिखाते हुए बाहर चली गई। इसी समय बाहर के कमरे में शिवेन और दिनेश जम गए थे। दिनेश ने आंखें फाड़ते हुए कहा, सच में? शिवेन बोला, सच में। ऐसे फूंक रही थी कि मिनर्वा कैफे की मिस कैथी को भी चलता कर दे। शिवेन मुखर्जी की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं, मैं तो दिखते ही समझ गया था, झट से 20 रुपए मार लिए, पता पूछ लिया। दिनेश बोला, सच में? गुड बॉय, काम निपटा कर रखा है। शिवेन बोला, प्लाईवुड का धंधा करता हूँ, लकड़ी कितनी भी पतली हो पक्का भारी है भाई। दोनों दोस्त एक दूसरे की आंखों में देख हंसे। फिर जाने की घड़ी आई। तमाम व्यस्तता के बीच माया ने सुखन के पांव छुए। उसके हाथ में एक छोटी पोटली थी। किसी ने कुछ नहीं पूछा, रुकने को भी ना कहा। प्रकाश रंजन उसे एक चिट्ठी थमा, तेरी माँ को देना मेरी चिट्ठी, ना भी दी तो मैं बाद में जा। माया सिर हिलाकर चली गई। केवल इतनी व्यस्तता के बीच भी घर भर के लोगों ने पल भर के लिए विस्मित असह्य क्रोध से उसका चले जाना देखा। शहनाई वाला एक जानी पहचानी भैरवी धुन बजा रहा। फिर इसके बाद ट्रेन में भी शिवेन के साथ माया का मिलना हो गया और शिवेन अपनी बीवी के सामने ही उसके साथ फ्लर्ट करता चला गया। फिर आखिर वो उतरी और घर की ओर बढ़ी। भवानी पाठक लेन में शाम हो आई थी, वहां की एक संकरी गली। यहाँ कभी कभार फाल्गुन की आखिरी हवा वलती से घुस जाती है, घुसती भी है तो गुस्से से पथ भ्रष्ट होकर। ऐसे में माया पहुंची। तीन
पहले 12 नंबर वाला घर बिल्कुल आखिर में है, पहली मंजिल का दक्षिण का है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, लालटेन जलाकर पढ़ने बैठे हैं 14, 12, 10 और 8 बरस के 4 बच्चे, माया के छोटे छोटे भाई बहन। उसका 18 बरस का भाई जरूर ट्यूशन के लिए गया होगा, माया सबसे बड़ी है। बिस्तर की एक तरफ उसकी बीमार माँ सुवर्णी, पति को गुजरे 4 साल बीत गए, उसका भी शोक बाकी सब कुछ के साथ उनके कलेजे पर भार बना रहता था। भाई बहन माया को देखकर खुशी से उछल पड़े, माँ दीदी लौट आई है, खूब खाया ना तूने शादी में? माया हल्के से मुस्काई। सुवर्ण ने धीरे धीरे करवट बदली, बोली, आ गई माया? हाँ माँ। दीदी तू ये सब क्या लेकर आई है? दिखाती हूँ, पहले बैठ तो। सुवर्ण बोली, तू तो दोपहर को लौटने वाली थी ना? माया बोली, तभी लौटने वाली थी, लेकिन फिर मैं सीता दी के कपड़े बदल उन्हें लौटा कर ही आई और थोड़ा सा घूम भी लिया। शादी ठीक ठाक हो गई? लड़का कैसा है? सब अच्छा है माँ, भैया भाभी ने मेरे बारे में पूछा। हाँ, बड़ा अफसोस कर रहे थे। सुवर्ण ने गहरी सांस ली, फिर माया की तरफ देखकर कुछ चौंक सी उठी, उतावली होकर बोली, तू इतनी सूख क्यों गई है माया? तेरे हाथ में क्या है? माया ने लालटेन सामने लाकर अपने हाथ का बोझ उतारा, बोली, तुम्हारी वो 8 रुपए वाली दवाई लाई हूं माँ। उद्वेग भरे स्वर में सुवर्ण ने पूछा, कहाँ से? माया चुपके से मुस्काकर बोली, बताती हूँ, और हेना मीनू नोंटी बिरू के लिए नए कपड़े। इतना कहना था कि चारों नए कपड़ों पर झपट पड़े। सुवर्ण ने वैसी ही व्याकुल आवाज में पूछा, कहाँ मिले पैसे? माया हंसकर बोली, बताती हूँ, कहकर उसने प्रकाश रंजन की चिट्ठी सुवर्ण को दी, मामा ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। सुवर्ण ने अस्वस्थ आंखों से भौहें सिकोड़े हुए चिट्ठी पढ़ी, काफी लंबी चिट्ठी थी, फिर बड़ी देर तक आंखें मूंदे चिट्ठी को सीने से लगाए पड़ी रही। माया चुपचाप माँ के पास बैठी रही। उसके छोटे छोटे भाई बहन तब नए कपड़े देखने में और कौन सा ज्यादा अच्छा है ये निर्णय लेने में मग्न थे। सहसा सुवर्ण ने गहरी सांस छोड़कर कहा, इससे पहले कभी सिगरेट पी है तूने? माया बोली, नहीं माँ। सुवर्ण ने आंखें खोलकर पूछा, तकलीफ नहीं हुई? माया कुछ ना बोली। सुवर्ण ने पुकारा, माया? माया बोली, हाँ माँ, बहुत घटिया महक थी, मुझसे सहा ना गया, रात को उल्टी आ गई। सुवर्ण बोली, फिर भी? वो और कुछ कह ना सकी। दुबले पतले हाथों से उन्होंने माया को अपनी ओर खींचा। माया की अश्रु भरी आंखों को आंचल से पोंछते हुए दबे स्वर में बोली, रो मत। ज्वार में भरी गंगा की तरह दोनों निशब्द थे। धन्यवाद। चलिए, तो इस तरह खत्म हुई ये कहानी आज की। एला भी आई है आज। जी, मैंने सुनी, मैंने रीना जी की कहानी सुनी और मैंने शीतमा की कहानी सुनी पूरी। बहुत ही सुंदर कहानी थी शीतमा जी। अरे जी मत कहिए, आपकी कहानी मेरी इतनी प्रिय कहानी है, पुरानी वाली। नहीं नहीं, आप पढ़ती बहुत अच्छा है। शीतमा जी, मुझे टाइप करने में मुश्किल होती है, लेकिन आपकी कहानी का मैं अंत तक इंतजार करती हूँ। सुना बोल रही हूँ हमेशा ही की तरह, आपकी हर कहानी का अंत जो है एकदम दिल को छू जाता है। उतना लिख नहीं पाते है ना चैट में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी चैट में लिख नहीं पाती, इसलिए मैं खाली सामने सामने बोल देती हूँ या कभी ऐसे कर देती हूँ। आप सब इतनी देर तक रुकते हैं, यही बड़ी बात है, यही मेरे लिए बहुत नहीं खत्म हुई, बैठक खत्म हुई। अगले महीने दिवाली है ना? नहीं, अगले महीने दिवाली। पता नहीं मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, बट
हम लोग किसी जमाने में दिवाली पे लोगों को अब तोहफे भेजा करते थे, उपहार भेजा करते थे, नजराने भेजा करते थे, अब आवाजें भेजते हैं ना। हाँ, तो अगले महीने का हम लोग विषय ही रख लेते हैं, तोहफा उपहार। हाँ, सही है, बढ़िया है, अच्छा है। माधवी कुछ कहना चाह रही है बेटा? अच्छा है विषय। एक्चुअली आई एम नॉट एट होम, एक्चुअली आई एम नॉट एट होम, मैं यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ से अटेंड कर रही हूँ। इसलिए मैं बीच में मैंने छोड़ा था, किसी ने स्कूटर चला रही थी, सो आई गॉट द सब्जेक्ट समझा। चेतम, आप बहुत प्यारी कहानी थी। बहुत शुक्रिया माधवी। या ओके, मिलते हैं नेक्स्ट बैठक में। या जी, जरूर एक तोहफे के साथ। बिल्कुल।